आई गाइस गुड इवनिंग वेलकम टू अन अकेडमी कैसे ऐसे बच्चे आई होप यू ऑल कैन सी मी आई होप यू ऑल कैन हियर मी आई एम सो सॉरी यार आज क्लास अपनी लेट होगी बट आपके लिए कुछ बहुत अमेजिंग प्लान कर रहे थे इस वजह से थोड़ा सा इसमें डिले हुआ बट नेवर डिलेस देर आए दुरुस्त आए आज बेटा जी हम शुरू करने वाले हैं अपने इस चैप्टर का पहला हिस्सा आप बोलोगे मैम पहला हिस्सा है चैप्टर तो हम तीन दिन से कर रहे हैं यस yes, बेटा हमारा पढ़ने का इसमें ऑर्डर अलग था हमने मेजर दो दो डिजीजेस डिटेल में थी वो पहले कर ली थी जिसका नाम है एड जन कैंसर उसके बाद हमने प्रतिरोधक क्षमता यानी कि इम्यूनिटी के बारे में बात की आज हम बात करने वाले हैं इनके अलावा ऐसी कौन सी डिजीजेज हैं जो कि कॉमन डिजीजेज मानी जाती हैं जैसे कि अपना कॉमन कोल्ड टाइफॉयड टीबी रेबीज हेपेटाइटिस मलेरिया इन सब चीजों के बारे में बेटा जी आज बात करने वाले हैं आज का सेशन छोटा सा है बड़ा प्यारा सा है

अपना ट्रीटमेंट प्लान बनाता है ट्रीटमेंट के साथ साथ वो जागरूक भी करता है कि आप इस बीमारी से बचने के लिए क्या प्रिवेंटिव मेजर्स ले सकते हैं ठीक है जी तो आज बात कर रहे हैं हम कॉमन डिजीजेस इन मैन के बारे में सेशन पर बेटा आ गए हैं तो फटाफट से को फास्तली, फास्तली, फास्तली फास्तली सेशन को लाइक कर दीजिए टाइम मत लगाइए एम वेटिंग सेशन पे बेटा जब तक आप लाइक करेंगे तब तक मैं आपको बता दूं कि अन इज ऑलरेडी लाइव ठीक है बहुत बच्चे अक्टूबर फर्स्ट को ये एग्जाम दे चुके हैं ये एग्जाम आपकी लाइफ में चेंज ला सकता है क्योंकि यहां से आपको ऑल इंडिया लेवल पे अपनी परफॉर्मेंस के बारे में पता चलेगा अगर आपने अभी भी एनरोल नहीं किया तो लिंक मैंने ऑलरेडी पिन करवा रखा है इस पर जाकर एनरोल कर लीजिए इस एग्जाम को देने से होगा क्या बेटा जी इस एग्जाम को देने से आप अपना ऑल इंडिया लेवल पे रैंक पता लगा पाएंगे

वर्ल्ड कप में कैसे देंगे एक घंटे का पेपर होता है यार ओनली वन आवर एक से दो बजे तक मुझे वर्ल्ड कप का टाइम वाइम तो नहीं पता बट मुझे इसका टाइम पता है एक सुबह के स्लॉट में होता है एक शाम के स्लॉट में होता है तो अगर आप देख भी रहे हो वर्ल्ड कप वैसे तो आपको देखना चाहिए थोड़ा देखना चाहिए फाइनल वाइनल देख लिया शुरुआत से नहीं देखना चाहिए बट बेटा आठ और पंद्रह को आपके पास मौका फिर आएगा इस एग्जाम में बैठने का फ्री ऑफ कॉस्ट एग्जाम है लिंक यहां पिन किया हुआ है इस लिंक पर जाकर इस एग्जाम को देने की तैयारी कर लो ठीक है जी यस चलिए अब बने आगे हां जी सेशन लाइक नहीं हुआ यस मेरे बच्चों है ना वही मैं कह रही हूं ओनली फोर्टी क्वेश्चन है क्या फर्क पड़ जाएगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा तुम देख भी लोगे तो ज्यादा जरूरी एग्जाम है ज्यादा जरूरी वर्ल्ड कप नहीं है क्या क्या कह रहे हैं अरे वाह सुचित कह रही हैं मैम कल आपने जितना कराया सारे क्वेश्चंस मिले नथिंग वाज आउट ऑफ कौन बताए लेकिन ये चीज यार हमारे स्पाइडरमैन बैटमैन और पता नहीं क्या क्या नाम से आ जाते हैं उन बच्चों को देखिए मुझे पता है मैं क्या पढ़ा रही हूँ दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम मैंने ह्यूमन हेल्थ पढ़ाया है दस साल हो गए हैं बेटा इसी चैप्टर को पढ़ाते हुए इसी सिलेबस को कराते हुए दस साल मायने लगता है बेटा तो ये तो थोड़ा सा हमारी यू नो फन वाली बात थी कि हम आपस में क्या बोल रहे हैं या वो है बट इंटरनली आई नो वट इज बेस्ट फॉर यू बिकॉज आई हैव प्रोड्यूस्ड रैग्स बाई टीचिंग द सेम थिंग आई हैव सीन दीज टेन ईयर्स ऑफ पेपर्स उससे पहले के मैंने पेपर देख रखे हैं तो मुझे पता है यार एन टी ए कहाँ तक जा सकता है तो मैं आपका किसी एक बच्चे या दो बच्चे की वजह से लॉस नहीं होने दे सकती सो डू नॉट वरी इफ यू ट्रस्ट मी फुली देन यू विल गेट द बेस्ट कंटेंट मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है यहाँ कौन आके क्या बोल दे ये बाहर से है ये अंदर से है ये ऊपर से है नीचे से है कहीं से भी हो पेपर में ये चीज आ सकती है मुझे पता है तो यार मैं उतना बताऊंगी और जो नहीं आ सकता उसको छेड़ूंगी भी नहीं चाहे कोई आके बता दे ठीक है कितनी पीएचडी कर ले यहाँ पर अपनी पीएचडी की नॉलेज बेटा मुझे यहाँ नहीं बतानी है मुझे तुम्हें इतनी नॉलेज देनी है कि तुम्हारा नीट में एक भी क्वेश्चन गलत ना हो सारे क्वेश्चन तुम बना पाओ ठीक है तो आप टेंशन मत लिया करो ये बड़े बड़े क्लासेस में छोटी छोटी बातें होती रहती है बड़े बड़े देश कौ, कौन कह गए थे ये कौन से महापुरुष ने कहा था शाहरुख खान महापुरुष ने कहा था बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं तो वैसे बड़ी बड़ी क्लासेस में ऐसा चलता रहता है तो यू तो आज बड़े बात करते हैं कि हाँ मैम मुझे तो कोई बीमारी नहीं है मैंने अभी टेम्परेचर चेक किया मुझे कोई टेम्परेचर नहीं है मैंने अभी अपनी दर्दे वर्दे चेक की मुझे कोई दर्द भी नहीं है तो क्या क्या बेटा जी क्या मैं हेल्दी हूं बेटा बीमारी का ना होना डजेंट मीन यू आर हेल्दी एक आदमी सामने से खड़ा होके आपको फिट दिखाई दे रहा है वो हेल्दी नहीं है हु कुछ और कह गई थी ये ना बड़ा फनी आया था ये मैं इसलिए बोल रही हूँ मैंने अभी पास्ट में पता नहीं मूवी देखी थी कोई या सीरीज देखी थी उसमें यूजुअली वी से डब्ल्यू एच ओ तो वो हु कर रहा था किसने बोला हु ने बोला हु हो कौन so, ने बेटा एक बात क्लियरली बोल दी है कि अगर आप दिखते हेल्दी हैं, तो कि कि आप हेल्दी हैं. आप हैं। हैं। बेटा जी internally sick हो सकते हैं. तो who, who यानी ऑर्गेनाइजेशन ने क्या बोला ये छोटी क्लासेस से हम पढ़ते आ रहे हैं कि हेल्थ इज डिफाइंड एज कंप्लीट फिजिकल तीन चीजें बोली बेटा डब्ल्यू एच ओ ने फिजिकल मेंटल अरे ये क्या हो गया इसको तो, फिजिकल यस मेरे बच्चों को आ क्या आ जाएगा फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेलबींगिजिकल मेंटल एंड सोशल वेलबींग मतलब डब्ल्यू एच ओ कहती थी कि फिजिकली तुम्हें अगर कोई बीमारी नहीं दिख रही दैट डीन की आप हेल्थी हैं क्या आपके सोच विचार अच्छे हैं क्या आपको कोई एंजाइटी तो नहीं है क्या आप स्ट्रेस के तले तो नहीं दबे हुए हैं तो यार अगर आप दबे हुए हैं आपको एंजाइटी है स्ट्रेस है तो आप मेंटली हेल्दी नहीं है ठीक है और वो क्या कहते थे सोशल वेलबिंग यानी कि सोसाइटी में क्या आप लड़ाई वाले प्रवृत्ति के हैं कि हर एक बंदे से लड़ाई कर रहे हैं गलत बोल रहे हैं गाली निकाल रहे हैं या फिर आप बड़ी हार्मनी में रहते हैं सबके साथ मिलजुल कर रहते हैं अच्छे शब्द निकालते हैं सोसाइटी में आपका पहचान बहुत अच्छा है एंड आप एक मिलनसार लोग हैं अब बताओ तुम हेल्दी हो कि नहीं हो के अकॉर्डिंग क्या आप अपने करते हैं बताओ डू यू कंसिडर यूर तो अब क्या तुम हेल्दी हो यस और नो सच बताना यार मेरे से क्या छुपाना मैं को को थोड़ा बता के आ रही हूं कि यार मेरी क्लास के बच्चे बोल रहे थे हम हेल्दी नहीं है. है सच बताना यस yes, बता दो क्या हेल्दी हो कोई हेल्दी नहीं है यहां पर सच यही है फिजिकली आप सब हेल्दी हैं मैं उम्मीद करती हूं एंड मैं विश भी करती हूं एंड आई ट्रस्ट यू कि यार फिजिकली आपको कोई प्रॉब्लम नहीं कोई बीमारी नहीं है सोशली भी आप हेल्दी होंगे आप सबसे अच्छी बात करते होंगे सोसाइटी में आपको एज अ बुरा इंसान नहीं जाना जाता है आप अच्छे इंसान हैं मेंटली इज द मेन प्रॉब्लम आज के समय पर बेटा इतनी फास्ट पेस्ट लाइफ है कॉम्पिटिटिव लाइफ है आपकी लाइफ में तो बहुत बड़ा कॉम्पिटिशन चल रहा है लेकिन इस वजह से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो एंगजाइटी का शिकार है स्ट्रेस का शिकार है टेंशन टेंशन वर्ड जहां आ गया ना हेल्थ वहीं पे बेटा तेल लेने चली गई ठीक है तो हमें कोशिश करनी है हम सिर्फ कोशिश कर सकते हैं आई नो इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू कम आउट ऑफ दिस कि मैं सोचना छोड़ दू नीट के बारे में नहीं बेटा सोचना पड़ेगा थोड़ी थोड़ी टेंशन सबको होती है इस एज में आप ले भी सकते हैं लिटिल बिट बट यार मेंटली हेल्दी का मतलब है अपने आप को एक काम अवस्था में लेकर आना जेनजी मोड में लेकर आना जेनजी नहीं उसको जेन मोड सॉरी जेन मोड में लेकर आना जेन मोड होता है कि यार खुशी है तो भी हम ज्यादा नहीं उछल रहे और गम है तो भी हम ज्यादा नहीं रो रहे एक यू नो स्टेबल से मोड में चले जाना आपने कभी महेंद्र सिंह धोनी को देखा सब मतलब है सबके मतलब चाहते कैप्टन है वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर दैट वी नो खेलते तो अच्छा है ही है उनकी एक आदत के सब फैन है वो क्या है कि यार जब हम हार रहे होते हैं तब भी उनके चेहरे पर नो एक्सप्रेशन गुस्सा आ रहा होता है तब भी नॉट मच एक्सप्रेशन और जब हम जीत गए होते हैं तब भी नो एक्सप्रेशन यानी कि वो किस मोड में चल रहे हैं जेन मोड में चल रहे हैं जब आप उस जेन मोड को अचीव कर लेंगे कि मेरे टेस्ट में अच्छे नंबर आए तो भी सेम बहुत कम नंबर आए तो भी यार मेरा सेम चल रहा है मामला मैं ग्राफ को ऊपर या नीचे नहीं होने दे रहा हूं तब बेटा हम अपने आप को हेल्दी कंसिडर कर पाएंगे एंड इट वेरी आज के समय पर कोई भी मेंटली हेल्दी नहीं है कोशिश कर सकते हैं और मैं इसमें आपकी मदद भी करने वाली हूं कि आप कैसे हो सकते हैं है चैनल पे आने वाला है बहुत बड़ा सरप्राइज मैं पर्सनली आपके लिए लाने वाली हूं जो आपको इस मोड को अचीव करने में मदद करेगा क्योंकि बेटा लाइफ में कॉम्पिटिशन यहां खत्म होता ही नहीं है इट इज नॉट की यार नीट तक कॉम्पिटिशन है कॉलेज में जाओगे फर्स्ट ईयर में रैंक लाने के लिए कॉम्पिटिशन है कॉलेज खत्म कर लोगे नेक्स्ट नेक्स्ट एग्जाम में है कर लोगे जब पीजी करने जाओगे वहां पर थीसिस जब करते हो उसका कंपटीशन है जॉब करने जाओगे तब कंपटीशन है तो कब तक अपने माइंड को ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे करेंगे नहीं करना हमें हम सबको कोशिश करनी है अपनी लाइफ में बैलेंस लेके आने की क्योंकि लाइफ तो एक ही है ना यार एक ही लाइफ है ये टेंशनों में बिता देंगे टेस्ट के टेंशन में और ये फाइनेंस के टेंशन में बिता देंगे तो नहीं होगा टेंशन नहीं लेनी एक्शन करते जाना है अपना काम करते जाओ सही दिशा में ऑनेस्टी से आपको रिजल्ट्स डेफिनेटली मिलेंगे तो अब वो क्या सरप्राइज है वो मैं अब बताऊंगी हु के बारे में बात कर लेते हैं यहाँ पे ठीक है तो डब्ल्यू एच ओ ने हमें ये बता दिया हेल्थ की बहुत इंपॉर्टेंस है इसके बारे में मैं बात नहीं करूंगी कि क्या फायदा होता है अगर आदमी हेल्थी है तो लंबा जिएगा है ना मेरे साथ साथ डिस्कस कर लो बेटा यहाँ लिखा हुआ है तो आई विल नॉट टॉक इन डिटेल अबाउट लिखेंगे नहीं नहीं हम 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 इसको 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 ठीक है हम इसको लिखेंगे छोड़ो यस yes. ये देखो हेल्थ के बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं हैं इसमें हम बात कर लेते हैं. एक तो यार उस आदमी की उम्र लंबी होगी हाँ लंबी होगी वो आदमी बेटा हाईली प्रोडक्टिव होगा अगर मैं हेल्दी हूं तो मैं अच्छा काम करूंगी ठीक है मेरे को बीमारी होगी तो मेरा काम का लेवल नीचे हो जाएगा मैं क्लास नहीं ले पाऊंगी अगर मैं काम करूंगी तभी पैसा आएगा इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी ठीक है जी तो हेल्थ इज रिलेटेड टू माई वेलबींग माई वेलबींग इज रिलेटेड टू माई वर्क मेरा काम वैसा चलेगा काम वैसा चलेगा तो पैसा ज्यादा आएगा यानी कि इकोनॉमिक प्रोस्पैरिटी और अगर हेल्थ अच्छी होगी तो डेथ रेट कम होगा ना इनफैंट मोर्टैलिटी रेट मेटर्नल मोर्टैलिटी रेट क्या हो जाएगा कम अब आप इकोलॉजी पढ़ के आए हैं आपको पता है मोर्टैलिटी क्या होती है नेटालिटी क्या होती है इसमें तो बेटा कोई शंका नहीं चल रही है. हाँ अब यार अच्छी हेल्थ मुझे लानी है कैसे लाओ बताओ बहुत टफ क्वेश्चन पूछ लिया क्वेश्चन सौ नंबर का आएगा नीट में हाउ टू हाउ टू बी हेल्दी बताओ तुम अपना दिमाग लगाओ कैसे आएगा हाउ टू बी हेल्दी यस मेरे बच्चों हाउ टू बी हेल्दी हाँ सब ने अपना दिमाग लगाना शुरू कर दिया योगा करते हैं माइंड सेट करते हैं और क्या करते हैं यस स हाउ टू बी हेल्दी कैसे करें बेटा हमने सबसे पहले यहाँ लिखा हुआ है बहुत कोई टफ क्वेश्चन नहीं पूछा हाउ टू बी हेल्दी खाना अच्छा खाइए फर्स्ट ऑफ ऑल बैलेंस डाइट लीजिए अपने आप को साफ सुथरा रखिए देखो नहाओगे नहीं तो कैसे हेल्दी रहोगे नहीं, नहीं नहाओगे तुम्हारे ऊपर पैरासाइट्स आकर जम नाएंगे है ना पर्सनल हाइजीन रेगुलर एक्सरसाइज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट गुड हेल्थ के लिए योगाज बिन प्रैक्टिस सिंस टाइम इन मेमोरियल योगा करिए अपनी बीमारी के बारे में आपको अवेयरनेस होनी चाहिए वैक्सीनेशन करवा कर रखिए अपने आप को इन्फेक्शियस डिजीजे से बचाइए पब्लिक प्लेस पे जाए तो आपका नाक कान मुंह ढका हो ठीक है जी आपके घर का जो वेस्ट है वो प्रॉपरली डिस्पोज हो वेक्टर्स को बेटा कंट्रोल करिए वेक्टर माने की मच्छर इन सबको कंट्रोल करो हाइजेनिक फूड हैबिट्स रखिए सही जगह से खाना और पानी को मंगवाइए यानी कि सेफ ड्रिंकिंग वाटर क्लीन जगह से आपकी वेजिटेबल्स फ्रूट आने चाहिए तो आप हेल्दी हो जाएंगे इसको लिखने की तो कोई जरूरत नहीं है हमें पता है यार हम हेल्दी कैसे हो सकते हैं अभी मान लो मैं नहीं हेल्दी नहीं हुई चैप्टर है तो मतलब ऐसे हैं जो मेरी हेल्थ को कर सकते हैं ऐसे कौन से फैक्टर है जो मेरी हेल्थ को डिस्टर्ब कर सकते हैं बहुत सारे फैक्टर है यार जो मेरी हेल्थ को डिस्टर्ब कर सकते हैं मेरी हेल्थ खराब हो सकती है अगर मेरे को मेरे माँ बाप से कोई जेनेटिक बीमारी मिली हो यस और नो यस कैसे खराब हो सकती है कोई ना कोई बेटा जी जेनेटिक डिसऑर्डर चल रहा हो तो मेरी हेल्थ खराब हो सकती है और मेरी हेल्थ बेटा जी कैसे खराब हो सकती है मेरा लाइफ स्टाइल ही बड़ा बेकार है यार मैं पूरा दिन कोई चलने का काम नहीं करती हूँ बैठी रहती हूँ टीवी देखती हूँ पोटेटो चिप्स खाती हूँ और ये हनी चिल्ली पोटेटो खाती हूँ चाउमिन खाती हूँ लेकिन मैं उठती नहीं हूँ माई लाइफ स्टाइल इज वेरी बैड इट इज सेडेंटरी तो मेरी हेल्थ इंपैक्ट हो जाएगी हाँ जी हो जाएगी और बेटा जी क्या है और है आपके पास मुझे कोई इन्फेक्शन हो गया मच्छर काट गया मच्छर काट गया डेंगू हो गया मलेरिया हो गया तो मेरी हेल्थ इंपैक्ट हो जाएगी हो जाएगी हाँ हो जाएगी। अगर मेरी हेल्थ इंपैक्ट हुई यानी कि मुझे क्या हो रही है बीमारी हो रही है यानी कि बेटा जी मुझे क्या हो रही है इज हो रहा है दिस होता क्या डिजीज डिजीज वर्ड आया कहां से देखो बायो आधी तुम उसके नाम से जान सकते हो नाम थोड़ा ब्रेक द वर्ड आर अंडरस्टैंड इट्स मीनिंग लेट अस ब्रेक दिस वर्ड दिस इज को ब्रेक किया दिस खराब एबसेंट इज कंफर्ट कंफर्ट खराब हो गया कंफर्ट ही चला गया डिस में चले गए पहले मैं ईज में था ईज में में मतलब मजे में था गोवा गया था रिलैक्स कर रहा था बढ़िया खाना खा रहा था समुद्र देख रहा था चिल कर रहा था लेकिन जैसे ही इस ईज में भंग डाला चला गया डिस ईज कि इट इज अ कंडीशन इन विच द फंक्शनिंग ऑफ बॉडी इज नॉट अप्रोप्रिएट इट इज एडवर्सली अफेक्टेड जो आपको आपके कंफर्ट से बाहर लेकर जाती है समझ गए? डिजीज क्या होती है डिस इज ठीक है डिजीज यानी कि डिस प्लस इज़ यानी कि नॉट इन कंफर्ट। अब मुझे कंफर्ट नहीं फील हो रहा है दर्द हो रही है नींद आ रही है या बेचैनी हो रही है वेट लॉस हो रहा है कुछ भी हो सकता है अब वन ऑफ द रीजन जिसकी वजह से मुझे बीमारी होती है दैट रीजन इज माइक्रोब हमने एट्स क्लास में जब आप एट्स क्लास में थे ना आपने एक चैप्टर पढ़ा था माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो चैप्टर फ्रेंड्स फ्रेंड्स और और फो नाम से था मुझे पता है एट्स को नाइन्थ को टेंथ को हाँ एट्स में था माइक्रो दुश्मन या दोस्त दोस्त मतलब फ्रेंड दुश्मन मतलब फो अब यार उसमें हमने यही पढ़ा था दोस्त तो हमारे हैं ही है दही बनवाते हैं डोसा बनवाते हैं ब्रेड बनाते हैं वाइन बनाते हैं तो ये इनका दोस्ती क्या है लेकिन बेटा माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बीमारी भी होती है अब वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो मेरे दुश्मन हैं जो मेरे को डिजीज कॉज करके देते हैं उनको क्या बोलते हैं दोज माइक्रोब्स दे आर कॉल्ड एज पैथोजन क्या बोलते हैं बेटा जी इनको पैथोजन तो पैथोजन क्या हो गया हो हो गया disease causing microorganism, disease causing agent, जरूरी नहीं माइक्रोबो कोई भी हो सकता है जो बीमारी कर रहा है उस ऑर्गेनिज्म को हम बोलेंगे पैथोजन अब अगर पैथोजन मेरी बॉडी के अंदर आ रहा है मुझे बीमार करने के लिए खैर उसका इंटेंशन मुझे बीमार करने का नहीं है उसका इंटेंशन तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है हर जगह पर अपनी जिंदगी में आप सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की थ्योरी लगा सकते हैं डार्विन भाई साहब बहुत पहले बता गए थे वो हर जगह एप्लीकेबल है सिलेबस चेंज हो रहा है एनसीआरटी चेंज हो रही है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है जो नए के हिसाब से चलेगा जो आज भी पुरानी किताबें पढ़ता रहे, वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा है ना कल को मान लो वो बोल दें कि नीट में सेवेंटी परसेंट मार्क्स आने जरूरी है बोर्ड्स में नीट क्रैक करने के लिए मतलब एलिजिबिलिटी बन जाए सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट जिसके होंगे जो मेहनत कर लेगा वो कर जाएगा लड़ाई नहीं कर सकते वैसे बॉडी तो के अंदर आके अपने मजे करना चाहता था अपना खाना पीना रिप्रोडक्शन ये करना चाहता था लेकिन उसके ये करने से मुझे बीमारी हो रही है ठीक है जी यानी कि पैथोजन अगर मेरे घर में आएगा मेरी बॉडी में आएगा तो उसको अडेप्ट करना पड़ेगा ऐसे तो नहीं कि यार अपने ही रूल बना के बैठा है अगर मेरी बॉडी में एसिड है तो एसिड से बनने के बचने का तरीका निकालना पड़ेगा उसको अगर मेरी बॉडी में एंटीबॉडी है तो एंटीबॉडी के लिए बाहर ग्लाइकोकेलिक्स की लेयर बनानी पड़ेगी उसको करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा यानी कि पैथोजन को अडेप्ट करना पड़ेगा अडप्ट अकॉर्डिंग टू यस किसके अकॉर्डिंग अडेप्ट करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द दिनवायरमेंट ऑफ होस्ट एनवायरमेंट ऑफ होस्ट अब जैसा इन्वायरमेंट है उस हिसाब से मेरे पैथोजन करेगा तभी बेटा जी जिंदा रहेगा नहीं तो फिर टाटा बाय बाय मरते भी तो है बहुत सारे पैथोजन तो मेरी बॉडी में एंट्री मारते हैं इम्यून सिस्टम उनको भाव ही नहीं देता ऐसे सिपाही आते हैं गोलियां लगती है कि हमें पता तक नहीं चलता कि वो कभी आया था लेकिन कुछ जीत भी जाते हैं कुछ से बीमारी हो भी जाती कोल्ड हो जाता ना हाँ हो जाता टाइफाइड हो जाता ना हो जाता क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग पैथोजन है दे नो हाउ टू अडाप्ट है ना करके मुझे बुखार कर देंगे मुझे फीवर ले आएंगे है, ये सब पाथोजन है. मैं लिख नहीं रही हूं, आज इन सबके बारे में बात करनी चलिए लिख देते हैं कौन कौन से पैथोजन है बेटा एग्जाम्पल आपके में बैक्टीरिया है ये पैथोजन कहलाएगा वायरस फंजाई प्रोटोजोआ प्रोटोजोआ और हेलमेंथ हेलमिंथ यानी कि वर्म्स ये सब पैथोजन है इट इज नॉट नेसेसरी दैट पैथोजन हैज टू बी माइक्रोस्कोपिक थोड़ा बड़ा भी हो सकता है चलेगा ठीक है बट डिजीज कॉजिंग होना चाहिए ओके डिजीज कॉजिंग होना चाहिए ठीक चलिए अब चलते हैं टाइप्स ऑफ डिजीजेस कितने तरीके की डिजीज है बहुत जनरल चैप्टर है बेटा आप, आपके सामने टेक्निकल सारी चीजें मैं बता चुकी हूँ जनरल चैप्टर में आज हम बीमारियां करेंगे कल हम ड्रग्स करेंगे विल टॉक अबाउट हाउ अफीम इज इम्पैक्टिंग योर बॉडी विल टॉक अबाउट उ मॉर्फिन इज इम्पैक्टिंग विल टॉक अबाउट की जो स्लीपिंग पिल्स है वो कैसे काम करती है विल टॉक अबाउट हाउ एल्कोहल इज इम्पैक्टिंग स्मोकिंग इज इम्पैक्टिंग कल का सेशन तो सुपर डूपर होने वाला है आपको जनरल नॉलेज भी खूब मिलेगी और आपको अवेयरनेस मिलेगी और आप सही दिशा सही डिसीजन ले पाए फ्यूचर में जब आप कॉलेज में जाए उसके बारे में भी कुछ बात करेंगे आई एम नॉट लाइक बेटा टिपिकल पेरेंट एक पेरेंट होता है जो बोलता है कि ये गलत है ठीक है ये गलत है नहीं करना आई एम योर फ्रेंड कम पेरेंट मैं आपको बताऊंगी कि ये गलत है क्यों गलत है ये भी बताऊंगी और आप उससे अपने आप को पीयर प्रेशर होते हुए भी कैसे बचा सकते हो वो बताऊंगी है ना क्योंकि हमारा एज गैप कम है आपके पेरेंट्स से राइट तो कल का सेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है जितना आज का था चलिए बेटा डिजीजेस के बारे में बात करते हैं कितने तरीके की बीमारियां हैं देखिए दो तरीके की मैं यहां बता रही हूं कुछ डिजीजेस ऐसी होती हैं जो बाय बर्थ प्रेजेंट होती हैं दे आर कॉल्ड एज अरे इसको क्या होगा कुछ डिजीज ऐसी होती हैं जो बाय बर्थ प्रेजेंट होती हैं दे आर कॉल्ड एज कंजेटल डिजीज यस क्या बोलते हैं बेटा जी इनको इसको बोलते हैं कंजेनिटल डिजीज कुछ डिजीजेस बेटा जी ऐसी होती हैं यस yes. कुछ डिजीजेस बेटा जी ऐसी होती हैं जो हम बर्थ के बाद अक्वायर करते हैं दोज विल बी कॉल्ड एज अब acquired का मतलब मैंने आपको एड्स में ही बता दिया था समथिंग विच अकर्स टू यू आफ्टर यू टेक बर्थ जन्म लेने के बाद मुझे पानी से हवा से मच्छर से किसी से बीमारी हुई दैट इज कॉल्ड एस डिजीज़ेस ठीक है सो so, ये कौन सी हुई द डिजीज विच इज प्रेजेंट बाय बर्थ बाय बर्थ बेटा जी जो डिजीज है उसको कंजेनेटल बोलेंगे एग्जाम्पल मेरे बच्चों पढ़ के आए हो जेनेटिक्स टर्नर एक्स ओ क्लाइन फेल्टर एक्स एक्स वाई डाउन सिंड्रोम डाउन सिंड्रोम बाय बर्थ प्रेजेंट है ट्वेंटी वन की ट्राइसोमी ये सब जेनेटिक्स है 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 ना तो बीमारी कौन सी होगी या फिर defect आ सकता है. कैसा भी ठीक है समथिंग विच इज प्रेजेंट बाय बर्थ एग्जाम्पल टर्नर ठीक है मतलब माँ बाप से जो चीज आपको मिल रही है ये डिफेक्टिव गैमिट्स बनने की वजह से मिल रहा है ना क्लाइन फिल्टर क्लाइन फिल्टर ठीक है जी डिफेक्टिव की वजह से ही मिल रहा है डिफेक्टिव अलील अ, क्या कह रहे हैं गैमेट्स बने अलग गैमेट्स फ्यूज हुए नॉन डिसजंक्शन है ना जिसकी वजह से आपको बीमारी हो रही है सो इट विल बिकम कंजेनिटल एक्वायर्ड यानी कि जो आपने लाइफ टाइम में ली है लाइफ टाइम में बेटा जी आपको बर्थ के बाद डिजीजेस मिली हैं ये बेटा जी दो कैटेगरी में डिवाइड हो सकती है टू टाइप्स या तो बेटा अक्वायर्ड बीमारी ऐसी होगी जो एक आदमी से दूसरे आदमी तक आसानी से फैल सकती है इसको हम लोग बोलते हैं कॉम्युनिकेबल डिजीज कम्युनिकेबल डिजीज ऑल्सो कॉल्ड एज इंफेक्शियस डिजीज या तो बेटा ऐसी बीमारी हो सकती है जो फैलती नहीं है नॉन इन्फेक्शियस या फिर इसको नॉन कम्युनिकेबल बोलेंगे बहुत बेसिक क्लासिफिकेशन है इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं चल रही है अब तक तो अब तक आप सब पहचानते हैं कम्युनिकेबल मतलब बीमारी एक पर्सन पर्सन से दूसरे में जा सकती है इन्फ्लुएंजा जा सकता है? हाँ. Yes है हाँ एक को होगा खांसी करेगा दूसरा पर्सन इनहेल करेगा जा सकता है कोविड कोरोना जा सकता है हाँ जा सकता है टाइफाइड बिल्कुल आप इस बीमारी को फैला सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दैट कंटैिनेटेड फूड मैरी मेलन का केस याद होगा नहीं याद है तो मैं आज बताऊंगी ठीक है जी ये सारी बीमारियां ऐसी हैं जो एक पर्सन से इट कैन ट्रांसफर इट कैन ट्रांसफर फ्रॉम आसानी से ट्रांसफर हो सकता है फ्रॉम हेल्दी इंडिविजुअल फ्रॉम सॉरी इन्फेक्टेड से हेल्दी में जाएगा ट्रांसफर फ्रॉम इन्फेक्टेड इंडिविजुअल टू हेल्दी इंडिविजुअल यस yes, वो बीमारी कहलाएगी कहलाएगी डिजीज़ क्या आ गया बीच में बेटा यूट्यूब प्रीमियम नहीं ले रखा मुझे ऐड नहीं पता चलते बिकॉज जो मेरा अकाउंट है वो प्रीमियम अकाउंट है उसमें ऐड आते ही नहीं है उसमें बेटा जी एड आते ही नहीं है एड आ गया कोई बात नहीं स्किप कर दिया करो स्किप कर दिया करो ठीक है मुझे नहीं पता चलता इन सब के बारे में एड बेटा तभी आते हैं जब मजा आ रहा होता है बच्चे को जब बच्चे बहुत लंबा देखते हैं तभी यूट्यूब को लगता है अरे यार बीच में एड डालता तो ये बच्चा देख ही लेगा हाँ जी बेटा कम्युनिकेबल बीमारी के बारे में एग्जाम्पल दीजिए कोल्ड आपकी क्लास में एक आदमी को कॉमन कोल्ड होता है दूसरे को भी हो जाता है हाँ हो जाता है टीबी यस और कौन से आ जाएंगे इन्फ्लुएंजा इन्फ्लुएंजा नॉन इन्फेक्शियस कौन से होगी जो ट्रांसफर नहीं होंगी ट्रांसफर नहीं होने वाली कौन सी बीमारियां यार या तो तुम्हें किसी विटामिन की डेफिशिएंसी है ठीक है डेफिशिएंसी डिजीज में इधर आ जाते हो अभी दिखेगा या फिर क्या है तुमको कैंसर है ठीक है डेफिशिएंसी बीमारी जैसे कि विटामिन बी की डेफिशिएंसी हो गई ए की डेफिशिएंसी हो गई सी की डेफिशिएंसी हो गई अब यार तुम्हारे अंदर वाइटमिन ए की कमी है तुमको क्या है तुमको बेटा जी क्या है जीरोल में है तुम्हारे साथ वाले को थोड़ा हो जाएगा साथ वाले को थोड़ा हो जाएगा साथ वाले कोई फर्क नहीं है तुमको क्या बीमारी हो रही है राइट सो दीज आर अक्वायर्ड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जो फैलती नहीं है कैंसर अगर एक पर्सन को दूसरे को नहीं होगा साथ बैठ जाओ आप उसके साथ खाना खा लीजिए उससे हाथ मिला लीजिए इट विल नॉट गेट ट्रांसमिटेड टू हेल्थी पर्सन तो यार ये क्या हो जाएगा चलिए, अब बेटा कुछ diseases के बारे में हम बात बात करेंगे जो basic diseases आपकी NCRT बात करती है. Diseases करने पे आओ तो बहुत ज्यादा आती है देखो ये हमने बात कर ली है इन्फेक्शियस नॉन इन्फेक्शियस कौन सी है सेवरल इन्फेक्शन फेटल है बताओ ये क्वेश्चन आ सकता है नेम एन इन्फेक्शियस डिजीज जिससे डेथ हो सकती है तुम बोलोगे एड्स इन्फेक्शियस है ना एक आदमी सेक्सुअल कॉन्टेक्ट से दूसरे को दे सकता है है ना इससे डेथ भी हो सकती है। एक ऐसी बारे में कल बात करेंगे वो भी बेटा आपके काफी डैमेज करते हैं चलिए पैथोजन कर लिया शुरू करते हैं बेटा बैक्टीरियल डिजीजेस से ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे एनसीआरटी तक सीमित क्योंकि सवाल यहीं से उठ के आएगा यस कमिंग ऑन टू कॉमन डिजीजेज इन मैन तब बच्चे चार्ज डे ना चार्ज ड है हैं, तो सेशन लाइक नहीं हुआ है जितने बच्चे बेटा क्लास देखते हैं उतने बच्चों का मुझे सेशन लाइक चाहिए अटेंडेंस चाहिए अटेंडेंस चाहिए अटेंडेंस लगा दो लगा दिया कह रहे हैं कोई तो बता दे कि अब तक क्या हो गया है ह्यूमन हेल्थ में कोई बता दो बेटा इस बच्चे को बेटा जी ये ह्यूमन हेल्थ का लेक्चर नंबर फोर चल रहा है कल लेक्चर फाइव में चैप्टर खत्म हो जाएगा ठीक है कैसे देखेंगे लिंक ट्री पर जाकर देखेंगे ठीक है क्या करना है गूगल पे जाना है ये तो मैंने अनसेट खोल रखा है अच्छा अनसेट में तुम्हें दिखाना था ना कौन कौन बच्चे देखते हैं आप अपने सामने देख रहे हैं टॉपर्स ने दिया हुआ है ये नीट के टॉपर्स है ठीक है लिंक आपके लिए पिन कर रखा है तो ये टेस्ट तो सबको देना ही देना है राइट right? आप अपने सामने देख सकते हैं अच्छा अब बेटा यहीं पे गूगल भी डाल सकते हैं गूगल पे डाल जाइए गूगल जी खुल जाइए ओके क्या डालेंगे लिंक ट्री सी पाउजा ठीक है डाल दिया फर्स्ट नंबर पे क्लिक करेंगे फेवरेट लिंक है मेरा ठीक है यस सबसे ऊपर लिंक ट्री में जाके देखोगे ऑन गोइंग बैच ऑन गोइंग बैच पे क्लिक कर लो ऑन गोइंग बैच पे क्लिक कर लिया अब बेटा जी क्या बन चुका है ये देख लो लेक्चर फोर चल रहा है लिंक तक डाला हुआ है यहाँ पर यस yes? चलो तो यहां से आप पता लगा सकते हैं हम कहा पहुंच चुके हैं कभी किसी और चैप्टर को देखने का मन हो तो वो भी देख सकते हो वहां से जाके तुम्हारे हर चीज का बेटा मैंने ख्याल रखा हुआ है चाहे वो तुम्हारा लाइव हो चाहे वो तुम्हारा रिकॉर्डेड हो आप किसी भी क्लास में पढ़ते हो सब चीजों का इंतजाम सीट मैम ने कर रखा है आप मेरी स्पीड से करना चाहें आप मेरी से करें आप अपनी स्पीड से करना चाहें हम अपनी से करें बट करें करोगे नहीं तो होगा नहीं ठीक है जी यस चलिए पहली बीमारी शुरू करते हैं जहां से हमारी एन सी स्टार्ट करती है दैट इज टाइफॉइड यस मेरे बच्चों किससे शुरू करेंगे टाइफॉइड से सबसे पहले बेटा जी मैं बैक्टीरियल डिजीजेस कवर करूंगी ठीक है फिर वायरल और फिर प्रोटोजोन फिर फंगल एंड देन हेलमेंथिक टाइफॉइड की बात करें तो सबसे पहले बैक्टीरियल बीमारी है जब मैं बी के ऊपर गोला लगा दू मतलब बैक्टीरिया अगर मैं ऐसे लगा दू मतलब वायरल प्रोटोजोन लगा दू तो मतलब पी फंगल लगा दू तो एस ये हमारी शॉर्ट फॉर्म है ठीक है ये हमारी आपस की है ऐसा कोई रूल नहीं है ऐसा कहीं बुक में भी नहीं मिलेगा ये हमारी शॉर्ट फॉर्म है कि यार ये बैक्टीरियल बीमारी है क्योंकि क्वेश्चन ऐसा आता है ऐसे डब्बे में छह सात बीमारियां दे, दे देंगे पूछेंगे इसमें से बैक्टीरियल बताओ या मैच द फॉलोइंग में दे, दे देंगे कि इनमें से कौन सी बैक्टीरियल है मैच करो तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आपको पता होना चाहिए विच बीमारी विच डिजीज इज बैक्टीरियल विच वन इज वायरल विच इज प्रोटोसोन चलिए टाइफॉइड एक बैक्टीरियल डिजीज है इस बैक्टीरियल डिजीज में क्या होता है दिस इज कॉज्ड बाय कॉजल एजेंट क्या है कॉजल एजेंट सी ए कॉजल एजेंट है बेटा जी बैक्टीरिया जिसका नाम है सेल्मोनेला सेल्मोनेला टाइफी यस yes, क्या नाम है सेल्मोनेला टाइफी अब बेटा जी ये बीमारी फैलती कैसे है वॉट इज एम ओ टी मोड ऑफ ट्रांसमिशन मोड ऑफ ट्रांसमिशन बेटा जी इसका देखेंगे तो कंटामिनेटेड फूड और वॉटर से फैलती है कंटामिनेटेड फूड एंड वॉटर से बेटा जी बीमारी फैलती है मतलब तुम्हारा खाना अगर बाहर का हुआ किसी रोड साइड का हुआ रोड साइड में इसका बैक्टीरिया होने के चांसेस हैं पानी पूरी पी रहे हो अच्छी जगह से नहीं पी रहे साफ नहीं है चाउमिन खा रहे हो मोमोज खा रहे हो अच्छी जगह से नहीं आसपास नाला है वहां पर बेटा आपको बीमारी होने के चांसेस रहते हैं क्यों क्योंकि तुम कंटामिनेटेड पानी पूरी पी रहे हो कंटामिनेटेड मोमोज खा रहे हो मतलब तुम्हारे अंदर बैक्टीरिया किस रूट के द्वारा गया मुंह से गया

फीवर के अलावा बेटा जी पेट होगा पेट में दर्द होगा एब्डौमिनल पेन एबडोमिनल पेन होगा पेन के साथ साथ तुम्हें पेट खराब भी हो सकता है दैट इज कॉन्स्टिपेशन भी हो सकती है ठीक है कॉन्स्टिपेशन भी हो सकती है एक्सट्रीम केसेस में किसमें एक्सट्रीम केसेस में इंटेस्टाइनल परफोरेशन वेरी 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 इंपॉर्टेंट वर्ड इंटेस्टाइनल परफोरेशन मतलब छेद हो सकते हैं इन द हुए तुम्हें पता है कल बताया था जिस चीज में छेद हो जाते हैं बाहर का है, है. यानी कि अगर इंटेस्टाइन में छेद हुए अल्टीमेटली दिस कैन लीड टू डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म यूजुअली टाइफाइड में डेथ होते ही है बट इन एक्सट्रीम केसेस लाइक दिस इट कैन लीड टू डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म

इस डिजीज को फैलाया बहुत लोगों को दिया था उसको बोलते हैं ह्यूमन कैरियर ऑफ टाइफॉइड ह्यूमन कैरियर ऑफ टाइफॉइड कौन थी वो महिला वो महिला थी मिस मैरी मेलन मिस मैरी मेलन ठीक है ये कौन थी आयरिश वुमेन थी ये घरों में जाकर खाना बनाती थी ठीक है जैसे आज के समय पर हाउस हेल्प होती है वैसे हाउस हेल्प इसको खुद को क्या था टाइफॉइड था अब जिन जिन घरों में जाकर इसने खाना बनाया उन सब घरों में टाइफाइड के पेशेंट निकल आए यानी कि शी वॉज द ह्यूमन कैरियर इसके पास ये बैक्टीरिया था और खाना बनाने की वजह से ये बैक्टीरिया फूड में गया फूड से बेटा उन ओनर्स के पास गया उस घर वालों के पास गया जिन्होंने वो इन्फेक्टेड फूड खाया और उनको भी क्या हो गई बीमारी हो गई यूएस में कुक थी और उसने सालों तक मानेंगे नहीं आप सालों तक बेटा इस बीमारी को बहुत लोगों तक फैलाया इसीलिए इस मैरी मेलन को हम लोग क्या बोलते हैं टाइफॉइड मैरी है ये टाइफॉइड मैरी है ये सिंगल आ रहा है टाइफॉइड मैरी है ठीक है जी तो टाइफॉइड मैरी के बारे में पता चल गया मेरे बच्चों सबको टाइफॉइड मैरी क्वीन ओके ह्यूमन कैरियर ऑफ टाइफॉइड इज टाइफॉइड मैरी तो फटाफट से एक बार यहाँ देख लेते हैं हाँ जी सेलमोनेला टाइफी नाम लिख लिया ना हमने हाँ, लिख लिया अरे अंडरलाइन नहीं किया बेटा बुरा मत मान जाना कि मैम आपने बायोनॉमिल नॉम के रूल को फॉलो नहीं किया कई बार हो सकता है हम अंडरलाइन ना करें जल्दी जल्दी में हो जाता है लेकिन बेटा मैं सच सचमैन रूल्स का पालन करती हूँ तो मेरे पास मेरे ऊपर कोई धारा वारा मत लगा देना कि इस धारा के तहत आपको गिरफ्तार किया जाता है समझ जाना यार ठीक है जी यस yes. तो सैलमोलेना टाइफी होगा क्या टाइफॉइड फीवर इट कॉजेस टाइफॉइड फीवर अब बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताने वाली हूँ फीवर तो बेटा यहाँ पर होगा ही इस फीवर में इंफेक्शन बेसिकली इंटेस्टाइन को हो रहा है किसको हो रहा है इंटेस्टाइन को हो रहा है इंटेस्टाइन के सेल्स को कुछ बोला जाता है पता नहीं किसको याद है जिसने बहुत डिटेल में डाइजेशन uh, पढ़ा होगा ना उसको उसको पता होगा इंटेस्टाइन के सेल को बोला जाता है क्या बोला जाता है एंटेरोसाइट साइट माने सेल एंटेरिक वर्ड इज फॉर पेट फॉर इंटेस्टाइन ठीक है अब यहां पर इंटेस्टाइन में इंफेक्शन हो रही है और आपको फीवर चढ़ रहा है इस फीवर को हम लोग बोलते हैं एंटेरिक फीवर बोल सकते हैं इंटेस्टाइन में इंफेक्शन की वजह से आपको बुखार चढ़ा एंटेरिक फीवर इन्होंने इसको टाइफाइड फीवर बोल दिया हम इसको क्या बोल रहे हैं एंटेरिक फीवर बिल्कुल सही बात है देन बेटा जी ये स्मॉल में जाएगा कंटामिनेटेड फूड वाटर के द्वारा then बेटा जी दूसरे में कर जाएगा के द्वारा Sustained high fever रहता है, है, बिल्कुल सही बात वैल्यू अच्छे से याद करें थर्टी नाइन टू फोर्टी डिग्री सेंटीग्रेड सस्टेन्ड हाई फीवर है उतर उतर के नहीं आ रहा मलेरिया पड़ेंगे तो फीवर उतर उतर के आएगा टाइफॉइड में उतर के नहीं आ रहा है वीकनेस हो रही है स्टमक में पेन हो रहा है कॉन्स्टिपेशन होगा सर दर्द होगा वेट मतलब पतले हो जाओगे भूख लगना कम हो जाएगी और इंटेस्टाइनल परफोरेशन हुई तो डेथ भी हो सकती है कौन सा टेस्ट विडाल टेस्ट देन बेटा हमारी मैरी मेलन का निकनेम क्या है टाइफाइड मैरी वो कुक थी और बेटा जी उसने सालों तक टाइफाइड फैलाया है जिस खाने को वो बनाती थी डन मेरे बच्चों यस यस बता दो फटाफट फड़ से डन हो गया एंटेरिक फीवर विडाल टेस्ट सस्टेन्ड फीवर इंटेस्टाइनल परफोरेशन थर्टी नाइन टू फोर्टी टू ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखने हैं ठीक है नेक्स्ट हम बीमारी करने वाले हैं अगेन बैक्टीरियल डिजीज जिसका नाम है न्यूमोनिया मैं बेटा जान के वही डिजीजेस को कवर कर रही हूँ जो आपकी एनसीईआरटी में दी हुए हैं लास्ट में बेटा जी मैं लिस्ट ऑफ डिजीजेस लिखवा दूंगी जो बैक्टीरियल में इंक्लूड होती हैं बट हम कवर डिटेल में उसे वो करेंगे जो आपकी एनसीईआरटी बताती है वाई बिकॉज एनसीईआरटी भगवान है वाई का क्या मतलब होता है है ना तो निमोनिया निमोनिया बेटा जी बैक्टीरियल डिजीज है ठीक है जी बैक्टीरियल डिजीज है इसका कॉजिटिव एजेंट कौन है इसका कॉजिटिव एजेंट है डिप्लोकोकस डिप्लोकोकस निमोनिए डिप्लोकोकस निमोनिए कोकस आज जो मेरे से मेरी प्लस क्लास में है उनको पता है सुबह साढ़े बजे मेरी प्लस और आइकॉनिक में क्लास होती है उसमें आज हमने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन शुरू किया और की की, बात की, आपके स्फेरिकल बैक्टिरिया। तो हुआ हुआ। ना? Yes, हुआ। Hemophilus influenzae. Hemophilus influenzae. Influenzae. ठीक है? ये कैसे फैलता है ये तो इसका हो गया। मोड ऑफ ट्रांसमिशन ये फैलता है ड्रॉपलेट से जैसे कोरोना फैलता था ना वैसे ड्रॉपलेट इंफेक्शन मतलब एक आदमी को अगर निमोनिया है एक इंफेक्टेड पर्सन को निमोनिया है उसने खांसी की तो यार बैक्टीरिया हवा में ड्रॉपलेट्स में उसने छींक मारी बैक्टीरिया हवा में और वहीं तुम बैठे थे तुम उस समय उसकी छींक को इनहेल कर रहे थे तो बैक्टीरिया तुम्हारे नाक के थ्रू होते हुए तुम्हारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में घुस जाएगा और मैंने तुम्हें तो बताया है जिस सिस्टम में पैथोजन की एंट्री होती है सिम्टम भी तो वैसे ही आते हैं तो निमोनिया में सिम्टम लंग्स रिलेटेड आएंगे पेट रिलेटेड आएंगे सोचो निमोनिया में सिम्टम्स लंग्स रिलेटेड ही आएंगे क्योंकि नाक के थ्रू गया है वो वैसे कोविड का जो वायरस था वो भी नाक के थ्रू जा रहा था तो सिम्टम बेटा जी लंग्स रिलेटेड ही मेजर आ रहे थे है ना पेट रिलेटेड तो नहीं आ रहे थे पेट तो नहीं खराब हो रहा था तुम्हारा है ना तो ऐसी चीजें छोटी छोटी चीजें ध्यान रखनी है जो आपको बेसिक क्वेश्चन को आंसर देने में हेल्प करती है तो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन हुआ ड्रॉपलेट इन्फेक्शन होगा तो अल्टीमेटली कौन इम्पैक्ट होंगे लंग्स इम्पैक्ट होंगे सो अगर मैं बात करूँ इसके सिम्टम्स की तो आपके एल्वियोलाई में म्यूकस भर जाता है बोलते हैं ना लंग्स में पानी भर गया जी इनके एक्सट्रीम केसेस ऑफ कोविड में भी लोगों को निमोनिया हो रहा था व्हाट वाज निमोनिया पानी भर गया सी स्कैन कराने जा रहे हैं एच आर देखने के लिए कि लंग्स में पानी है कि नहीं भाई अगर लंग्स में पानी है लंग्स यानी कि ये एल्वियोलाई है एल्वियोलाई में फ्लूड है म्यूकस है क्या गैश एक्सचेंज हो पाएगा तुम खुद बताओ गैश एक्सचेंज नहीं हो पाएगा ना तो सिम्टम में क्या है इसमें जो लिम्फ है लिम्फ है और म्यूकस है लिम्फ एंड म्यूकस इज फिल्ड यस इनसाइड साइड किसमें एलवेलाय एंड ब्रोंक्यूल्स यस एंड ब्रोंकियोल्स, लिम्फ एंड म्यूकस इज फिल्ड इनसाइड साइड एंड ब्रोंक्यूल्स जिससे सरफेस एरिया कम हुआ या ज्यादा हो गया सरफेस एरिया फॉर एक्सचेंज एलवेलाई में तो फ्लूइड भर गया ना सरफेस एरिया फॉर एक्सचेंज इज डिक्रीज्ड सरफ़ेस एरिया डिक्रीज होगा तो यार ब्रेथलेसनेस होगी सांस लेने में दिक्कत आएगी ठीक है जी यस yes. नेल्स भी ब्लूइश ग्रे टू ब्लू हो जाएंगे ऑक्सीजन की कमी होगी ना तो नेल्स का बेटा जी कलर चेंज होने लग जाएगा ग्रे टू ब्लूइश ग्रे टू ब्लूइश होने लग जाएंगे तो एक बार फटाफट से यहां से देख लेते हैं आ जाओ येस yes. न्यूमोनिया हुआ बैक्टीरिया से हुआ स्ट्रेप्टोकोकस इन्फ्लुएंजा मेरे मेरे साथ यस यस नो नो करते जाओ साथ साथ सारी बीमारियां याद करके जानी आज ये मेरा और तुम्हारा प्रण है आज का गोल है ये हमारा करके जाएंगे यस मेरे बच्चों चलिए ह्यूमन में कैसे होता है इन विच इट इन्फेक्ट तो अगर तुमसे कोई पूछे न्यूमोनिया अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को इन्फेक्ट करेगा या लोअर बताओ अपर को इन्फेक्ट करेगा या लोअर तो तुम वो लोयर एल्वेलाई लोअर में आती है तो लोअर को एज ए रिजल्ट एल्वेलाई में फ्लूड भर जाएगा फ्लूड भर जाएगा तो अल्टीमेटली आपको सारे सिम्टम्स आने शुरू हो जाएंगे ठीक है जी सारे सिम्टम क्या क्या सिम्टम आए बुखार हो गया ठंड लगी खांसी आई सर दर्द हुआ स्वियर केसेस में लिप और फिंगर्स आपके ग्रेस टू ब्लूश हो जाएंगे जब ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होती है ना बेटा जैसे हम बहुत ठंड में चले जाएं, तुम चले जाओ बेटा ले लद्दाख ले लद्दाख में भी चोटी पे ट्रैक करने चले जाना वहां पर ऐसे 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 करते नजर आओगे नाक लाल हो जाएगा ये लिप्स बेटा आपके डार्क होने लग जाएंगे बाय ऑक्सीजन की कमी हो रही है यहां पर भी एलवेलाई भरने से ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो रही है दैट इज वाई देयर इज चेंज इन कलर ठीक है जी हेल्दी पर्सन को इन्फेक्शन कैसे होगा ड्रॉपलेट के द्वारा मेरे को निमोनिया है भगवान करे ना हो किसी को ना हो मान लीजिए मेरे को निमोनिया है मैंने खांसी की ड्रॉपलेट आए मैंने छींक मारी मारीट ड्रॉपलेट आए मैंने बात करी ड्रॉपलेट मैंने हैंकी यूज करके हैंकी पे किया और उसी हैंकी को तुमने यूज कर लिया ड्रॉपलेट आए ड्रॉपलेट से बेटा ये बीमारी फैले की ठीक है जी और इवन बाय ध्यान देना शेयरिंग ग्लासेज यूटेंसिल्स विद एन इनफेक्टेड पर्सन अगर आप किसी के साथ बर्तन शेयर कर रहे हो उससे भी हो सकता है यस yes, चलिए तो ये बेटा जी दो बीमारियां ऐसी हैं जो आपकी डिटेल में दी हुई हैं बैक्टीरियल डिजीज में लेकिन बैक्टीरियल डिजीज में इसके अलावा और क्या क्या है इसके अलावा बेटा जी और क्या क्या है जरा यहाँ पर ध्यान दो लिस्ट बना देती हूँ मैं फटाफट से बेटा मैं जान के इसमें एनसीआरटी को साथ लेके चल रही हूँ ज्यादा मैं लिख नहीं रही हूँ मैं एनसीआरटी की लाइन आपको लर्न करवाने पर मेरा ज्यादा जोर है वाई बिकॉज यहीं से क्वेश्चन उठ के आएगा आपको सिम्टम दे देंगे पूछेंगे कौन सी बीमारी है और वो सिम्टम यहीं से उठ के आएंगे तो ज्यादा फोकस हमारा इसीलिए यहां पर है यस yes, मेरे बच्चों मैं कुछ बोल रही हूं इनकी जिंदगी में अलग ही चल रहा है यस yes. बेटा डिप्लोकोकस और एक ही फैमिली को बिलोंग करते हैं तो दोनों ठीक हैं स्टेप्टोको लिख लो भैया कोई दिक्कत नहीं आएगी डिप्लोकोकस इज आल्सो राइट right. ठीक है वो भी बिल्कुल सही है तो ज्यादा अंतर नहीं है, है? जितना माइसिन ले लो काना माइसिन ले लो थोड़ा बहुत अंतर है दोनों आपके एंटीबायोटिक ही है वैसा ही है ये डिप्लोकोकस से भी हो जाता है स्टेप्टो लिख लो यार ठीक है तो कहा इन्होंने डाइसेंट्री इज ऑल्सो बैक्टीरियल डिजीज प्लेग बेटा जी ियल डिजीज डिपथीरिया आर समेक्टीरियल डिजीज यानी कि क्वेश्चन कैसे आएगा डब्बे में बीमारियां आएंगी पूछेंगे इन डब्बे में से हाउ मेनी ऑफ आर बैक्टीरियल तो तुम्हें टाइफॉइड कॉलरा टीबी मैं लिस्ट बना देती हूँ डाइसेंड्री टाइफॉइड कॉलरा निमोनिया टीबी टीबी यानी कि कॉच डिजीज टीबी मतलब ट्यूबर किलोसिस ठीक है लेप्रोसी आ गया डिप्थीरिया डिथीरिया डिप्थी पर्ट्यूसिस है ये सब बेटा जी बैक्टीरियल डिजीज है ये सब बैक्टीरियल डिजीज है छोटी क्लासेस में आप बात कर चुके हो टीबी इज कॉज बाय माइको बैक्टीरियम ट्यूबर क्लॉसेज टीबी को ठीक करने के लिए बेटा जी वैक्सीन भी है हमारे पास प्रिवेंट करने के लिए दैट इज बीसीजी वैक्सीन सुना हुआ है टाइफॉइड के लिए बेटा हमारे पास वैक्सीन है टाइफॉइड पैरा ए

चलिए इतना याद कर लोगे कर लेंगे पहले बेटा मेरे पुराने लेक्चर देखोगे तो मैंने बहुत ज्यादा डिटेल बताया भी हुआ है बट अब उसका इतना सेंस नहीं बनता है इतना कर लेंगे इसी में से सवाल आ जाता है वायरल डिजीजे इससे ज्यादा डिटेल जब एम करेंगे ना बेटा तब आएगी चलिए वायरल डिजीजेस के बारे में बात करते हैं वायरल डिजीजेस में सबसे पहले आपके पास आ जाता है इन्फ्लुएंजा यस इन्फ्लुएंजा जिसको सिंपल भाषा में फ्लू भी बोला जाता है कॉज्ड बाय जल एजेंट मिग्जो वायरस इंफ्लुएंजे अगेन दिस इज मोड ऑफ ट्रांसमिशन एम ड्रॉपलेट इन्फेक्शन ड्रॉपलेट इन्फेक्शन यस किसको डैमेज होगा कौन से सिस्टम को डैमेज होगा रेस्पिरेटरी सिस्टम को इन्फ्लामेशन ऑफ रेस्पिरेटरी पैसेज इन्फ्लामेशन ऑफ रेस्पिरेटरी पैसेज नाक बहने लगेगा कोई वैक्सीन नहीं इन्फ्लुएंजा की ठीक है जी तो ये हो गया इन्फ्लुएंजा अब बेटा जो पॉक्स बीमारियां हैं दूसरे नंबर पे आ गया पॉक्स डिजीजेस पॉक्स में आपके पास एक तो आ जाता है जो बीमारी बिल्कुल इराडिकेट हो चुकी है अब इस विश्व में बची नहीं है स्मॉल पॉक्स और बेटा जी जो बीमारी आजकल सबको हो जाती है कम हो गई है वैसे पहले से दैट इज चिकन पॉक्स तो पॉक्स डिजीजेस जब आ जाए यानी कि वायरल डिजीजेस हैं ठीक है ठीके? याद रखना है पॉक्स डिजीजेस वायरल डिजीज हैं जैसे स्मॉल पॉक्स को बोला जाता है बड़ी माता हिंदी में चिकन पॉक्स को बोला जाता है छोटी माता ऐसा बोला जाता है इसका थोड़ा रिलीजियस सिग्निफिकेंस में निकाल लेते हैं लोग ठीक है बट एक्चुअली में रिलीजियस से ज्यादा स्मॉल पॉक्स इज कॉज बाय अ वायरस वायरस का नाम है वेरीओला वायरस इट इज कॉज्ड बाय वेरियोला वायरस ड्रॉपलेट से फैलता है ये भी वायरल वायरल यूजुअली डिजीज आप देखेंगे ड्रॉपलेट से फैलती है यूजुअली ठीक है जी ये किस वजह से होता है अगेन ड्रॉपलेट इंफेक्शन की तरह निकल के आते हैं ठीक है क्या निकल के आते हैं रैशेज निकल के आते हैं पहले मुंह पे आएंगे फिर बेटा जी सारी बॉडी पे आ जाएंगे तो यहां पर भी क्या हो रहे हैं रैश हो रहे हैं फर्स्ट ऑन फेस फॉलोड बाय ट्रंक ठीक है यस और जब बेटा जी ये रैश सूखते हैं देखो चिकन पॉक्स में तो क्या होता है डॉक्टर बोलते हैं जैसे बहुत बच्चों को चिकन पॉक्स निकला होगा डॉक्टर ऐसा बोलते हैं कि यार अगर आप बारी बारी उनको टच करोगे इचिंग होती है उनपे अगर आप उस पर हाथ लगाओगे बारी बारी उसको स्क्रेप करोगे तो आपके निशान हो जाएंगे लेकिन अगर कोई ऐसा बच्चा है जो टॉलरेट कर सकता है जिसमें पेशेंस है जो बेटा जी ऐसे ऐसे नहीं करता है तो उसके निशान नहीं आते लेकिन ये जो पॉक्स स्मॉल पॉक्स वाला वायरस है जब स्मॉल पॉक्स हो जाता है उसके दाग बनते हैं चिकन पॉक्स के तो नहीं बनते हैं दे विलीव स्कैब्स ये बेटा जी दाग छोड़ के चला जाएगा आज के समय पर हमारे पास स्मॉल पॉक्स के लिए एवरी वन इज वैक्सीनेटेड एडवर्ड जेनर नाम के साइंटिस्ट आए थे जिन्होंने स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट वैक्सीन बनाई थी मास इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम की मदद से सब लोग इम्युनाइज हो चुके हैं तो स्मॉल पॉक्स इज द फर्स्ट डिजीज टू बी इराडिकेटेड फ्रॉम द वर्ल्ड पूरे विश्व में से पहली बीमारी जो बिल्कुल खत्म हो चुकी है बिकॉज ऑफ द इम्यूनाइजेशन दैट इज बेटा जी स्मॉल पॉक्स सो इसका वैक्सीनेशन की वजह से बहुत मदद हुआ है वैक्सीनेशन वॉज डेवलप्ड बाय एडवर्ड जेनर याद रहेगा नाम एडवर्ड जेनर एंड दिस इज कंप्लीटली रेडिकेटेड अब नहीं होता है किसी को एवरी वन इज इम्यून फॉर दिस ठीक चलिए अगला आता है चिकन चिकन पॉक्स, पॉक्स इज बाय वेरी उसका नाम है वायरस का वेरी सेला जोस्टर चिकन पॉक्स में बेटा जी आपको पता है ये भी ड्रॉपलेट से फैलता है तभी बेटा बोला जाता है एक बच्चे को घर में चिकन पॉक्स हो जाए तो उसके आसपास आपको नहीं भटकना चाहिए अदरवाइज आपको भी हो सकता है क्योंकि ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से ये वायरस एक इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में जा सकता है इसे क्या होगा रैशेज होंगे ज्यादा रैशेज पहले बॉडी पे होंगे फेस पे कम होते हैं फेस पे बाद में होते हैं पहले बॉडी पे रैश आना शुरू होता है फिर बेटा जी फेस पे आना शुरू होता है माइल्ड सा फीवर भी रहता है तो रैश है एंड बेटा जी फीवर है जो कि दो तो तीन दिन का साइकिल है ठीक हो जाता है ठीक है जी यस तो ये बात हो गई आपकी पॉक्स की तो एक बार मैं फटाफट से इधर आ जाती हूँ वायरसेस में इसने बात की है कॉमन कोल्ड की तो हम भी कॉमन कोल्ड के बारे में बात कर लेते हैं क्या बात हो गई लिस्ट लिख देती हूं बेटा अदर वायरल डिजीज की अदर वायरल डिजीज यस आपके पास आ जाएगा मीजल्स मम्स पोलियो रेबीज रेबीज इज ऑल्सो वायरल डिजीज रेबीज वायरस से होता है कोल्ड हां जी और बताइए और बताओ यार मीजल्स हो गया मम्स हो गया रूबेला हो गया पोलियो हो गया वायरल डिजीज है रेबीज हो गया और कौन सी बीमारी है डेंगी चिकनगुनिया जो आजकल बड़ी ट्रेंड में चल रही है ट्रेंडिंग बीमारी है। चिकनगुनिया हेपेटाइटिस हेपेटाइटिस सारे तरीके का हेपेटाइटिस है ना बेचो यस yes? तो ये भी सारी बीमारियां क्या है आपकी वायरल डिजीज है मम्स, मीजल्स और रुबेला आज के समय पर किसी को नहीं होता अगेन बिकॉज की वैक्सीन है जो सबको लगी होती है इसी वजह से बेटा, ये नहीं फैलता है कॉमन कोल्ड इज कॉस्ड बाय यस कॉमन कोल्ड किसकी वजह से होता है बेटा जी कॉमन कोल्ड इज कॉस्ड बाय बताओ इट इज कॉस्ड बाय राइनो वायरस राइनो वायरस ये बेटा जी जो कॉमन कोल्ड है ध्यान देना यस yes. ये जो हाँ इसके लिए ट्रिक बताएं मतलब हद मचा रहे हो ये वायरल डिजीज की लिस्ट याद करने के लिए भी आपको ट्रिक चाहिए जिंदगी में बेटा कौन सा काम बिना निमोनिक के करोगे कौन सा काम बिना ट्रिक के करोगे हैं कहीं ऐसा ना हो तुम्हारे नाम क्या के आगे कल को डॉक्टर बन जाए डॉक्टर लग जाए डॉक्टर रिंकी गुप्ता गायनेकोलॉजिस्ट तो डॉक्टर रिंकी गुप्ता गायनेकोलॉजिस्ट नाम नहीं याद कर पा रही है डी आर जी जी डी आर जी जी

पानी खड़ा ना रखे पानी को क्लियर करके रखें नहीं तो मच्छर का ब्रीडिंग ग्राउंड बन जाता है ये तो बेसिक है बेटा यू डू नॉट नीड न्यूमोनिक जहां जरूरत होगी प्लांट किंगडम में मॉर्फोलॉजी में वहां मैं खुद लेकर आऊंगी न्यूमोनिक बट जहां पर पर जरूरत नहीं है बेटा वहां पर भी आप ऐसी बातें करेंगे अपने नाम के लिए बेटा जी कहीं बनाना ना पड़ जाए राइनो वायरस हां जी अब बेटा जी राइनो वायरस आपके अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को इन्फेक्ट करता है लोअर को नहीं करता न्यूमोनिया लोअर को करता था ये अपर रेस्पिरेटरी

थकान होगी आंखों में से पानी निकलने लगेगा तीन से सात दिन का साइकिल है ठीक हो जाएगा लेकिन अगर आप कोल्ड वाले बंदे के साथ रहेंगे जो आदमी कर रहा होता है ना आपको समझ जाना चाहिए अवेयरनेस यही तो अवेयरनेस थी भाई आपको हेल्दी रखेगी उस आदमी से दूर रहिए है, वो हैंकी नहीं यूज कर रहा उसको बोलिए नहीं सुन रहा है आप खुद हैंकी रख के मास्क लगाइए ओके जी ड्रॉपलेट बेटा उसके खांसी से स्नीज से आपके अंदर आ सकते हैं ठीक है और फोमाइट बोन इन्फेक्शन भी हो सकता है फोमाइट बोन का क्या मतलब है फोमाइट मतलब नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट अब मान लो मुझे कोल्ड है मैंने बेटा जी हैंकी यूज किया फॉर एग्जांपल ये हैंकी है मैंने इस पर स्नीज किया और खांसी की और मैंने इसी से इस पेन को पकड़ लिया तो भैया ये वाला वायरस इस पेन पे भी आ गया ना अब इस पेन को मैं बोल रही हूँ तुम यूज करो ठीक है तुमने यूज किया तुम्हारे हाथ पे आ गया और उसी से तुमने ऐसे ऐसे कर लिया बस इतना ही खेल होना था फोमाइट बोन इन्फेक्शन यानी कि पेन बुक कप्स डोर नॉब्स इन पे हाथ लगाने से भी इंफेक्शन हो जाता है ठीक है राइनो वायरस अब एक बच्चे ने बहुत अच्छा सवाल पूछा था मैम आपने कल बताया था इम्यूनिटी नाम की चीज है इम्यूनिटी नाम की चीज कहती है कि अगर मेरे अंदर एक बार एक वायरस चला गया तो प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होता है जिसमें मेमोरी सेल बना लेते हैं वो जब दोबारा जाता है तो बीमारी नहीं कर पाता सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स कोल्ड तो मैम आए दिन होता है हर सीजन में हो जाता है हमें हर साल ऐसा मौसम आएगा कोल्ड और ऐसा क्यों हो रहा है इसमें मेमोरी सेल नहीं बन रहे क्या बताओ क्या इसमें मेमोरी सेल नहीं बन रहे बताओ 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 क्या इसमें मेमोरी सेल नहीं बनते हैं Yes, रहे, चला गया। ठीक सिलेबस फॉर अंसर्ट बेटा टेलीग्राम पे मैंने डाल दिया है प्लीज आप लोग मेरा टेलीग्राम ज्वाइन करेंट नोटिफिकेशन सबके लिए ऑफिशियल ठीक है सीप जी, जी, बता दिया हैं फिर नाइस क्वेश्चन वेरी गुड मैम ने सवाल पूछा और मुझे कह रहे हैं मैम योर क्वेश्चन इज नाइस क्वेश्चन बट योर क्वेश्चन हर्ट मी दिल में दर्द हो गया आपका सवाल सुन के ओके okay, कुछ बच्चे ठीक आंसर में जा रहे हैं कुछ बच्चे ठीक आंसर में जा रहे हैं बिल्कुल कोविड की तरह आप इसको रिलेट कर सकते हैं वेरी गुड वेरी गुड शमा मिशकत बिल्कुल सही जा रहे हैं कोल्ड बेटा आपको बारी बारी इसीलिए होता है क्योंकि हर बारी राइनो वायरस का सेम स्ट्रेन इन्फेक्ट नहीं करता है इस इस साल इस मौसम में राइनो वायरस का अगर एक स्ट्रेन आया है तो कल को एक साल बाद तु, जब तुम्हें कोल्ड हो रहा है तो राइनो वायरस का दूसरा स्ट्रेन घुस रहा था जैसे कोविड में हो रहा था बेटा एक वैक्सीन एक स्ट्रेन के अगेंस्ट हमने वैक्सीन बना ली अब जब दोबारा कोविड हो रहा है तो वायरस म्यूटेट कर गया दे हैव वेरी फास्ट म्यूटेशन रेट म्यूटेशन रेट हो गया स्ट्रेन बदल गया स्ट्रेन बदल गया अब तो वो नया है ना बॉडी के लिए जब वो बॉडी के लिए नया है

चिकन पॉक्स लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊं दोबारा हो सकता है वो बेसिकली इसलिए ऐसा नहीं कि मेमरी सेल कम थे इम्यूनिटी की उस बंदे को यू नो इम्यून रिस्पॉन्स वॉज नॉट दैट स्ट्रॉन्ग उस वजह से है वैसे उसमें मेमरी सेल बन रहे है। ठीक है बन रहे हैं तो ये बात हो गई कोल्ड की वायरल डिजीज हमने कर ली लिस्ट बेटा यहाँ पर पता है रेबीज तुमको पता है कॉज बाय रेबीज वायरस रेबीज में बेटा आदमी को होता है बाय द बाइट ऑफ इंफेक्टेड डॉग कैट मंकी इन सब के बाइट से होता है ये जो रेबीज है ना बेटा रेबीज में पर्सन बिकम्स अफ्रेड ऑफ इवन स्वलोइंग वाटर हाइड्रोफोबिया हो जाता है यस yes, हाइड्रोफोबिया हो सकता है आप पढ़े हाइड्रोफोबिया बेटा जी इज अ वेरी मेजर सिम्टम ऑफ रेबीज वो उससे कुछ निकला ही नहीं जाता पानी तक नहीं निकला जाता पानी से डर लगने लगता है और अगर आपने रेबीज में इंजेक्शन नहीं लगवाए जाके ठीक नहीं कराया इट लीड्स टू डेथ अभी रिसेंट केस था पता नहीं आपने न्यूज़ कितनी देखी है आप देखते हैं न्यूज़ नहीं देखते गाजियाबाद का बेटा जी पिछले एक महीने के अंदर अंदर ही केस था एक सोसाइटी में एक बच्चा रहता था उस बच्चे को किसी डॉग ने बाइट किया वो डर गया उसको लगा मेरी गलती की वजह से हुआ हो सकता है, मम्मी ने मना किया हो कि उस डॉग के पास नहीं जाना बट फिर वो चला गया उसको बाइट कर गया डर की वजह से बेटा उसने ये बात अपने पेरेंट्स को नहीं बताई कि मुझे किसी डॉग ने बाइट की उसने बेटा बात नहीं बताई एक महीने तक वो बंदा मतलब दैट पर्सन रिमेन इन्फेक्टेड विद रेबीज वायरस एंड आफ्टर वन मंथ ही डाइड मतलब ऐसी बीमारी जिसका हमारे पास क्योर है अगर आपको डॉग बाइट करता है मंकी बाइट करता है कैट बाइट करती है यू हैव क्योर हमारे पास वैक्सीन है इसकी वो वैक्सीन प्रिवेंटिव वैक्सीन नहीं है वो क्योरेटिव वैक्सीन है वो इंजेक्शन लगते हैं ना थ्री इंजेक्शन का सेट या फाइव का पहले चौदह लगते थे चौदह से पाँच हो गए अब तीन हो चुके हैं लेकिन ना बताने का आप नतीजा देखिए बिकॉज दिस इज फेटल डिजीज अगर आपने इसका इलाज नहीं कराया यू विल श्योरली डाई तो अगर बेटा हल्की सी खरोच भी आती है डॉग की वजह से एनिमल की वजह से आपको इंजेक्शन लगवाना चाहिए चाहे वो डॉग वैक्सीनेटेड हो फिर भी अपनी सेफ्टी के लिए लगवाना चाहिए बिकॉज अगर मे बी द ओनर इज राइट की डॉग वैक्सीनेटेड था बट वी कैन नॉट टेक रिस्क विद आवर ओन लाइफ ना तीन इंजेक्शन की तो बात है तुम लगवा लो है ना लगवाना चाहिए बताना चाहिए इसीलिए बोला जाता है अपने पेरेंट्स से कोई भी बात नहीं छुपानी चाहिए वो हो सकता है आपको पहले डांटे बट डांटने के बाद आपकी बेहतरी के लिए ही सोचेंगे अब क्या रिजल्ट निकला उसका है ना? उस केस का क्या रिजल्ट निकला डर की वजह से मां बाप को ना बताना इट कॉस्टेड हिम हिज लाइफ है ना यस yes? <coughs> चलिए तो ये बात होगी कॉमन कोल्ड की अब बेटा जी वायरल डिजीज से आगे बढ़ते हैं प्रोटोजोन डिजीज पे किस पे चलते हैं प्रोटोजोन और एक प्रोटोजोन डिजीज बेटा जी आपकी डिटेल में हमने पढ़नी है जिसका नाम है मलेरिया चले मेरे बच्चों यस प्रोटोजोन डिजीज प्रोटोजोन डिजीज में बेटा जी हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट अ डिजीज दैट इज अगेन वेरी कॉमन विच इज मलेरिया मलेरिया बेटा कौन से प्रोटोजोआ के द्वारा होती है कॉजिटिव एजेंट सबसे पहली चीज इसमें कंफ्यूजन पहला ये होता है बीमारी किसकी वजह से हुई तुम बोलोगे प्रोटोजोआ की वजह से हुई उस प्रोटोजोआ का नाम है प्लाज्मोडियम क्या है प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ yes, की वजह से हुई लेकिन तुम्हारे अंदर वो प्रोटोजोआ पहुंचा कैसे ड्रॉपलेट इन्फेक्शन कोरोना वायरस तुम्हारे अंदर कैसे आया था ड्रॉपलेट इन्फेक्शन वैसे ही डेंगू का वायरस तुम्हारे अंदर कैसे आया मच्छर की मदद से चिकनगुनिया का वायरस कैसे आया मच्छर की मदद से वैसे ही मलेरिया का प्लाज्मोडियम मलेरिया का प्रोटोजोआ तुम्हारे अंदर कैसे आएगा विद द हेल्प ऑफ अनादर मच्छर अनादर ऑर्गेनिज्म जिसको हम लोग बोलते हैं वेक्टर तो वेक्टर क्या होता है वेक्टर क्या वो होता है जो बीमारी कॉज करता है नहीं बेटा जी वेक्टर वो होता है जो बीमारी कॉजिंग एजेंट को हेल्दी पर्सन में लेकर आता है वेक्टर हियर इज फीमेल एनोफलीज मॉस्किटो फीमेल ऐसे लिखते हैं एनोफलीज मच्छर का नाम है मॉस्किटो फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो ठीक है जी यस yes. मतलब factor क्या वो होता है जिससे बीमारी होती है नहीं बेटा जी ये मान लीजिए इन इंडिविजुअल है इसको infection है और ये मेरा बढ़िया ब्लू कलर का हेल्दी है. इंडिविजुअल है ना इसके अंदर बेटा जी प्लाज्मोडियम बैठा है दिख रहा है एक मिनट इधर आ जाती हूँ मैं इसके अंदर बेटा जी प्लाज्मोडियम बैठा है यानी कि इसको मलेरिया है इस आई को मलेरिया है अब अगर ये प्लाज्मोडियम चाहता है मैं इस हेल्दी को भी इन्फेक्ट कर लूँ तो खुद तो उड़ के नहीं जा सकता ये किसकी मदद लेता है मच्छर की मच्छर आएंगे मच्छर बेटा जी पहले आई को काटेंगे आई को काटने में मच्छर में भी ये प्लाज्मोडियम का कुछ अंश बैठ जाएगा फिर बेटा जी मच्छर उड़ते हुए चलेंगे अपनी दौर में अपनी यू नो भ्रमण पे फिर मच्छर को बेटा एच दिखेगा मच्छर एट को को एच काटेगा एच को काटेगा तो जो ये प्लाज्मोडियम का अंश लेके आया था वो एच में भी आ गया यानी कि वेक्टर वो ऑर्गेनिज्म है जो बीमारी कॉज नहीं करता फैलाता फैलाता है है जैसे कंटामिनेटेड फूड बीमारी बीमारी ड्रॉपलेट्स फैलाते हैं वैसे ही वेक्टर बीमारी फैलाता है तो कुछ बच्चे गलती करते हैं लिखा होगा विच इज द दॉजिटिव एजेंट ऑफ मलेरिया लिख के आएंगे मच्छर

देर आर फोर स्पीसीज ऑफ प्लाज्मोडियम वन टू थ्री फोर फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज प्लाजमोडियम वाईवैक्स ये सारी पी डी एफ आपको मेरे टेलीग्राम पर मिल जाएगी ज्वाइन कर लेना प्लाज्मोडियम वाईवैक्स सेकेंड वन इज प्लाज्मोडियम ओवेल प्लाज्मोडियम ओवेल सेकेंड नेक्स्ट वन इज प्लाज्मोडियम मलेरिएन प्लाज्मोडियम

मलेरिया का सबसे घातक फॉर्म कॉज करता है मतलब द मोस्ट डेंजरस टाइप ऑफ मलेरिया इज कॉज बिकॉज ऑफ इन चारों में से एक है जो सबसे डेंजर है डेंजर बताओ बच्चों जिसका नाम डेंजर वो डेंजर मलेरिया इन चारों में से सबसे डेंजरस नाम किसका दिख रहा है बताओ इसमें कुछ रट्टा नहीं मारना वाइवेक्स डेंजरस नाम है ओवेल है मलेरिया फॉल्सिपेरम है फॉल्सिपेरम बेटा डेंजरस नाम है यानी कि दिस इज द रीजन फॉर द मैलेग्नेंट मलेरिया मैलेग्नेंट मलेरिया का बेटा जी ये रीजन है मतलब खतरनाक डेंजरस मलेरिया इज कॉल्स बाय फॉल्सीपेर जिससे डेथ भी हो सकती है फेटल फॉर्म ऑफ मलेरिया है फेटल फॉर्म ऑफ मलेरिया कैसे याद किया डेंजर डेंजर मतलब डेंजर नाम डेंजर नाम सबसे बड़ा वाला नाम कौन सा है आपका फॉल्सीपेरम है ठीक है मेरे बच्चों चलिए अब कर लेते हैं लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल में वैसे बेटा जी दो होस्ट होते हैं ठीक है देर आर टू होस्ट इन द लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम देयर आर टू होस्ट इन द लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम यानी कि अपनी आधी जिंदगी बिताते हैं मैन के अंदर हमारे अंदर और ये अपनी आधी जिंदगी बताते हैं एनोफलीज मच्छर के अंदर ठीक है मच्छर के अंदर तो यार डाइजेनेटिक पैरासाइट है ये इट्स अ पैरासाइट डाइजेनेटिक पैरासाइट मतलब इसकी जिंदगी में दो होस्ट आएंगे आधी जिंदगी मेरे अंदर बीतेगी आधी जिंदगी किसके अंदर बीतेगी आपके मच्छर के अंदर बीतेगी मेरे अंदर ए सेक्शुअल फेज बीतेगा याद रखना है तो मैं अगले पेज मच्छर और वो बनाने वाली हूँ यस अभी मैं दिखाऊंगी एक बच्चे ने बहुत ब्यूटीफुल डायग्राम बनाया था मैं तो बहुत सिंपल डायग्राम बनाऊंगी तो यार ये बना लेते हैं मच्छर एवरी वन इज विद मी टिल नाउ क्या सब बच्चे मेरे साथ हैं अभी तक बताना जरा एवरी वन इज विद मी टिल नॉट क्या सब बच्चे मेरे साथ हैं

Uh, बच्चर एज अ प्राइमरी होस्ट तो उस जंग में नहीं जाएंगे जिसमें इतना कॉन्ट्रोवर्सी चल रही है हम जाएंगे कि यार दो होस्ट है एक नहीं है दो है मैन और मच्छर मैन और मच्छर ठीक है जी चलिए तो ये मैंने बना दिया मच्छर ये मैन बना देते हैं, और ये बना देते एनोफलीस मच्छर ठीक है एनोफलीस एंड मैन मैंने बोला दो होस्ट हैं तो दो होस्ट बेटा जी हमने बना लिए यस पता नहीं क्या चल रहा है कौन सा नंबर दिया था कौन झूठा कौन सच्चा बेटा चांद चांद कह रहे हैं कसम से आई डू नॉट लाइक इफरा हु केयर्स अबाउट व्हाट यू लाइक एंड व्हाट यू डोंट लाइक किसको फर्क पड़ता है आप में से किसी को फर्क पड़ता है बेटा नो वन कैर्स फर्क बेटा आपको लग रहा है दुनिया को फर्क पड़ रहा है बट दुनिया को फर्क नहीं पड़ रहा नो वन कैर्स बेटा तो इसीलिए इस भ्रम में रहना छोड़ दो कि आपकी लाइकिंग और डिसलाइकिंग से किसी को फर्क पड़ेगा सब लोग यहाँ पढ़ने आए हैं अकेले आए हैं अकेले पेपर देंगे वाई डोंट यू रियलाइज प्लीज बी सेल्फिश टेंशन अगर आपको इसकी पड़ी रहेगी कि मुझे कौन पसंद करता है मैं किसको पसंद करता हूं, उसको मेरी वजह से फर्क पड़ रहा है आप खाना खाएं ना खाएं आप रात में सोए ना सोए आप पढ़ाई करें ना करें इसका फर्क आपके और आपके माँ बाप के अलावा किसी को नहीं पड़ता नो no वन केयर्स इसीलिए अपने आपको फेक डोपामिन में रखना छोड़ दें अपने आप को इंपॉर्टेंस देना छोड़ दें इंपॉर्टेंस देनी है तो अपने सिलेक्शन को दें जो साथ वाले को जताकर नहीं आएगा जो बेटा जी पढ़ने से आएगा हर आदमी अकेला आया बेटा अगर आपको लग रहा है ना कि यार मेरे कम नंबर आए हैं इनके तो भी कम नंबर आ रहे हैं अरे बढ़िया बढ़िया किसी के नंबर नहीं आए बेटा किसी के तो आ ही रहे हैं आप अपने आप को किससे कंपेयर कर रहे हो अनसेट दो अनसेट पे दे के पता चलेगा कि एक्चुअल कंपैरिजन किससे है क्लास वालों से नहीं है एक्चुअल कंपैरिजन ऑल इंडिया लेवल से है ठीक है अनसेट दीजिए तब आपको पता चलेगा और सेल्फिश हो जाइए अपने लिए काम करो किसी के लिए काम मत करो और किसी के भरोसे भी मत रहो कि ये मेरा बहुत जिगरी यार है ये भी तो नहीं पढ़ रहा हम दोनों तो बातों में पूरा टाइम वेस्ट कर रहे हैं इसका भी एमबीबीएस नहीं हो मेरा भी नहीं हुआ चलो फिर ठीक है बेटा कुछ लोगों का हो भी तो रहा है एम क्लियर उनसे उनसे कंपैरिजन करो उनके बारे में सोचो क्या वो तुम्हारे दोस्त बनेंगे नहीं बनेंगे जब आप डॉक्टर बन जाएंगे ना दोस्तों की लाइन लग जाएगी बेटा जो दोस्त ने आज तक फोन नहीं किया होता ना वो भी फोन करता है भाई मदद करते हैं लेकिन जब आप कुछ नहीं रहेंगे तब बेटा रिश्तेदारों की लाइन लग जाएगी जिन रिश्तेदारों ने आज तक आपको नहीं पूछा होता ना तब वो पूछने आएंगे बेटा नंबर नंबर बताओ कितने कितने आए आए हैं हैं बोर्ड्स में तुम तो बड़ी नीट की तैयारी करते थे तुमने तो यहां ले रखा था, था पैसे बर्बाद कर दिए वही है अब डिफरेंस तुम्हें जानना है कि यार तुम्हें फ्यूचर में दोस्तों की लाइने लगवानी है या रिश्तेदारों की लाइन लगवानी है एक लाइन तो लगेगी जिंदगी में ठीक है जी यस चलिए मैन मैन से शुरू करते हैं जैसा कि मैंने यहां फोटो बनाई थी मान लो इस मैन से शुरू करते हैं हेल्दी है अभी इस मैन से शुरू करें बेटा समझ रहे हो ना इस मैन से शुरू करेंगे ये अभी मैन क्या है मेरा हेल्दी है मैं इधर हो जाती हुई देखो इस हेल्दी वाले से एच वाले से, से शुरू करेंगे इसको इनफेक्टेड मच्छर काट रहा है एनोफिलीज आई वो वाली एनोफिलीज आई जिसके पास प्लाज्मोडियम का कुछ पार्ट है वो इसको काटी ठीक है यहां से शुरू कर रही हूँ मैं अगले पेज पे आ रही हूं। चलो मैन में मैन को मच्छर काटा बाइट इसका आप रिप्रेजेंटेशन भी बना सकते हैं अभी मैं आपको दिखाऊंगी लेकिन यहां पर मैं पहले लिखूंगी तो मैन को मॉस्किटो बाइट किया कर गया कौन सा इंफेक्टेड वाला मॉस्किटो था मॉस्किटो ने कुछ तो दिया मैम मैन को ये देखो येलो से कलर का कुछ दिया ना क्या था वो मॉस्किटो ने अपनी बॉडी में से निकाल कर अपने सलाइवरी ग्लैंड में कुछ घूम रहा था उसके सलाइवा में क्या दे दिया स्पोरोजॉइड दे दिए क्या दे दिए बेटा जी इसने स्पोरोजॉइड दे दिए स्पोरोजॉइड्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट टर्म्स स्पोरोजॉइड बेटा जी पहुंच गए मैन के अंदर मेरे अंदर एच के अंदर हेल्दी पर्सन के अंदर स्पोरोजॉइड पहुंच गए ये स्पोरोजॉइड पहुंचे ट्रैवल करते करते लिवर के पास किसके पास पहुंचे मैन के पास लिवर होगा हाँ लिवर के पास पहुंचे ये स्पोरोजॉइड ने लिवर के अंदर खूब मल्टीप्लिकेशन की दे डणादन मल्टीप्लिकेशन 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 कैसे मल्टीप्लिकेशन की ये लोग घुस गए हेपेटोसाइट्स में लिवर के सेल में घुस गए और लिवर के सेल में घुसने के बाद इन्होंने मल्टीपल फिशन करते गए मल्टीपल फिशन पता है ना बेटा एक सेल से हजारों सेल बन जाते हैं एक टाइम पे तो हेपेटोसाइट्स के अंदर इन स्पोरोजॉइड्स का मल्टीपल फिशन होता गया इस मल्टीपल फिशन को हम लोग बोलते हैं स्किज़ोगनी यस लिवर के सेल के अंदर इन्होंने क्या की स्किज़ोगनी स्किज़ोगनी कौन से टाइप की फिशन है कौन से टाइप की डिवीज़न है मल्टीपल फिशन है जरा बताना मल्टीपल फिशन सेक्सुअल होती है कि एसेक्सुअल होती है बताएं मल्टीपल फिशन सेक्सुअल होती है या एसेक्सुअल होती है कल चैप्टर खत्म हो रहा है परसों एक बहुत बड़ा सरप्राइज आ रहा है एक ऐसी चीज बेटा मैं शुरू कर रही हूं जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था तो सरप्राइज के लिए रेडी रहना कल के बाद आ जाएगा हाँ कल के बाद आ जाएगा यस स्किजोगनी स्किजोगनी हुई स्किजौगनी के बाद स्किजोगनी मतलब मल्टीपल फेशन मल्टीपल फेशन में अगर आपको याद हो एसेक्सुअल होती है यस ए चल रहा है बिल्कुल

लगातार नहीं आता है हर तीन दिन के बाद आता है या जब आरबीसी फटेंगे बेटा तभी बुखार आएगा और आरबीसी बेटा एक टाइम के बाद फटते हैं ये देखो स्पोरोजॉट आए लिवर में प्रियरेटिकोसेटिक्स की जोगनी नहीं हुई रेथ्रोसेटिक्स की जोगनी नहीं हुई फिर बेटा जी इन्होंने दोबारा लिवर को इन्फेक्ट किया फिर लिवर में ये साइकिल चालू हुआ फिर आरबीसी कुछ दिनों के बाद फटे फिर इन्होंने दोबारा लिवर के सेल्स को इन्फेक्ट किया फिर ये आरबीसी में पहुंचे फिर आरबीसी फटे तो रह रहकर फीवर आता है हर दो दिन के बाद आ रहा है हर तीन दिन के टाइफॉइड की तरह सस्टेन्ड फीवर नहीं होता याद रखना है रुक रुक के आएगा और जब भी आएगा वो आरबीसी के फटने से आएगा केमिकल क्या रिलीज होता है हेमोजॉइन

48 hours के बाद हो रहा है तो दो दिन के बाद हर दो दिन के बाद फीवर आएगा क्योंकि ये ऐसे चलता जाता है तो मैं थोड़ा सा फीवर कब कब आता है ये दीने हुई एनसीआरटी में बट मैं लिख रही हूँ रिथ्रोसिटिक्स की जोगनी यानी कि जो फीवर है वो मुझे कब कब आता है बेटा हर स्पीशी में अलग अलग है फोर्टी एट आवर्स यानी कि दो दिन के बाद आता है प्लाज्मोडियम वाइवैक्स में प्लाज्मोडियम ओवेल में प्लाज्मोडियम प्लाजमोडियम में ठीक है थी? में और सेवेंटी इन्फेक्शन होता है प्लाज्मोडियम मलेरिया का अगर आपको इन्फेक्शन होता है प्लाज्मोडियम मलेरिया का यानी कि दो दिन के बाद वाइवैक्स ओवेल और फैल्सिपेरम में आता है और हर तीन दिन के बाद फीवर कब आता है मलेरिया के केस में ठीक है मलेरिया के केस में तीन दिन के बाद मतलब चौथा दिन ध्यान देना समझो हर 48 एट आवर्स में स्किजोगनी हो रही है मतलब फीवर तो तीसरे दिन आ रहा है हर 48 एट आवर्स में दोबारा सुनो स्किजोगनी हो रही है मतलब फीवर आपको तीसरे दिन आ रहा है।, है मतलब इस केस में 48 आवर्स के बाद स्किजोगनी हुई तो फीवर तीसरे दिन आया इसीलिए इसको बोलते हैं टर्शियन मलेरिया क्या बोलते हैं टर्शियन मलेरिया समझे टर्शनी थ्री होता है ना थ्री डिग्री टर्शियन मलेरिया आपने पढ़ा हुआ है

हर चौथे दिन फीवर आना मतलब क्वार्टन मलेरिया क्योंकि तीन दिन लगे थे के इर्थोसिटिक्स को क्या ये बात समझ आई क्या मेरे बच्चों ये बात बताना यस बताइए क्या ये बात समझ आई इस काम को तीन दिन लगेंगे तो चौथे दिन फीवर आ जाएगा इस काम को दो दिन लगेंगे तो तीसरे दिन फीवर आ जाएगा अर्थ स्पेशी में ये टाइम अलग अलग है किस किस में किस का किस काम को कितना टाइम लगता है चलिए बहुत बढ़िया समझ आ गया अच्छा अब आरबीसी अल्टीमेटली बर्स्ट हुए आपको फीवर आया फीवर के बाद बेटा आरबीसी के अंदर गेमिटोसाइट्स बने डेवलपमेंट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ गेमिटोसाइट्स इन आरबीसी आरबीसी में बन गए मैन के अंदर इतना ही होता है मैन के अंदर का पार्ट पोर्शन इतना ही है स्पोरोड ने एंट्री मारी लिवर में गए आरबीसी में गए आरबीसी फटे बारी बारी फटते रहेंगे दो या तीन दिन के बाद फीवर आता जाएगा और बेटा जी गैमीटोसाइट्स बन जाएंगे अब मान लो देखो ये सारी चीजें एच के अंदर हुई एच के अंदर अल्टीमेटली क्या बन चुका है गेमिटोसाइट्स बन चुके हैं अब मान लो बेटा एक और मच्छर आया अब मान लीजिए बेटा कोई और मच्छर आया ठीक है ये कोई और मच्छर पे ये गेमिटोसाइट्स बैठ गए कौन बैठ गए ये गेमिटोसाइट्स बैठ गए समझ रहे हो पहले इस एच को हेल्थ इंफेक्टेड मॉस्किटो ने काटा फिर बेटा जी कोई हेल्दी मॉस्किटो आया हेल्दी मॉस्किटो ने डंक मारा इसके ब्लड में से क्या निकल गए निकल गए ये अब अब इसके पास हैं ऑलरेडी ठीक है, है? अब बाकी का काम बेटा जी इस मच्छर के अंदर होगा ठीक है इस मच्छर के अंदर होगा यानी कि हम मच्छर में आ जाओ मच्छर ने बाइट किया उस एच को मच्छर के बाइट करने से कौन घुसेगा गेमिटोसाइट्स एंटर समझ रहे हो स्टार्टिंग कहां से करूं गेमिटोसाइट्स एंटर will एंटर mosquito stomach मच्छर के पेट में गैमीटोसाइट आ गए ठीक है गट गट दिया हुआ एनसीआरटी में गट में आ गए गट में आने के बाद गैमीटोसाइट गैमीट्स बनाएंगे गैमीट फॉर्मेशन हो रही है ये गैमीट बन गए तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगी फर्टिलाइजेशन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होती है कि एसेक्सुअल बताओ फर्टिलाइजेशन होगी बताओ तब तक तुम ट बन गया जयगॉट से अल्टीमेटली स्पोरोजॉइट बनेंगे ये yes, स्पोरोजॉइट बेटा जी दे विल एंटर इन टू दलाइवरिक लैंड ऑफ Yes, क्या पूछा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बिल्कुल सही तो अगर कोई तुमसे पूछे मलेरिया के केस में ए सेक्शुअल रिपोडक्शन मैन में होती है सेक्सुअल। तो तुम बोलोगे मैन के अंदर तो प्लाज्मोडियम का ए सेक्शुअल वाला साइकिल चलता है सेक्सुअल साइकिल तो किस में चलता है एनोफिलीज में चलता है देख लो तुम्हारे सामने में बेटा जी फर्टिलाइजेशन हो रही है है तो तो सेक्सुअल साइकिल साइकिल में 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 मच्छर में, और किस में चलता मैन तो यार मच्छर के अंदर कैमिटोसाइट आए कैमिटोसाइट ने कैमिट बनाया कैमिट फर्टिलाइज हुए इससे स्पोरोसाइट बना और स्पोरोसाइट उसके गट में आकर बैठ गया अब बेटा ये मच्छर किसी भी और हेल्दी इंडिविजुअल को काटेगा ये साइकिल फिर से चल पड़ेगा

मच्छर ने ऐसा क्या दिया जिससे इन्फेक्शन हुआ सब बच्चे बोलेंगे स्पोरोजॉइड यानी कि ये जो स्पोरोजॉइड है दिस इज इन्फेक्टिव स्टेज फॉर मैन बोल सकते हैं यस yes, मेरे बच्चों ये क्वेश्चन है पी वाई क्यू है बेटा जी इन्फेक्टिव स्टेज फॉर मैन बताइए मैन को इन्फेक्शन किससे हुआ तुम बोलोगे मैन को इन्फेक्शन स्पोरोजॉइड से हुआ अच्छा मच्छर को भी तो इन्फेक्शन हुआ मच्छर को इन्फेक्शन किससे हुआ बताओ यस yes.

इनफेक्टिव स्टेज फॉर मॉस्किटो येस और नो इज दिस क्लियर इज दिस क्लियर इनफेक्टिव स्टेज वगैरह का सारा सीन क्लियर हो गया अब जरा फोटो देख लो जो आपकी एनसीआरटी में पिक्चर आपको एज इट इज आ सकती है ये देखिए बेटा सबसे पहले मच्छर काटा

ह्यूमन के अंदर इसका ए फेज होता है लिवर सेल में मल्टीपल फिशन हुई जिसको उसके जॉग नहीं बना

में 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 बने, बने बने लिख चुके हैं हैं, हम ये ये सब, RBC में बने अभी अभी नहीं नहीं, हुए, यानी कि की तैयारी 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 हो रही है, है है, कर ली है हमने, ये है। लेकिन पूरा नहीं कर पा रहे हैं, पूरा करने के लिए हमें अब दूसरे होस्ट में जाना पड़ेगा क्योंकि मतलब जिंदगी में दो होस्ट है अच्छा अब बेटा जी किसमें गए ये बेटा मच्छर काटने से ये पहुंचे मच्छर के इंटेस्टाइन में स्टमक में तो मच्छर के लिए इन्फेक्टिव 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 स्टेज 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 कौन सा है दिस इज द तो दो स्टेज बेटा जी मैंने आपको ह्यूमन के लिए स्पोरोजॉइड और मच्छर के लिए गैमिटोसाइट ये गेमिटोसाइट बेटा जी अब पहुंच गए पहुंचने के बाद बेटा गैमिट बने फर्टिलाइजेशन हुई पूछा जाएगा फर्टिलाइजेशन कहां पर हुई बताओ फर्टिलाइजेशन कहां हुई तुम बोलोगे गट में गट यानी कि अभी बताया था स्टमक में स्टमक इंटेस्टाइन कोई बेटा जी क्या बोलते हैं अपन लोग गट बोलते हैं मच्छर के अंदर हो रहा है मच्छर की इंटेस्टाइन स्टमक में हो रहा है अल्टीमेटली बेटा जी क्या बन जाएंगे स्पोरोजॉइड बन जाएंगे कहाँ जाकर बैठ जाएंगे सलाइवरी ग्लैंड में बैठ जाएंगे मच्योर इन्फेक्टिव स्टेज दैट इज स्पोरोट पूछा जाएगा नेम द इन्फेक्टिव स्टेज विच इज कंसिडर्ड एज मेच्योर गैमिटोसाइड तो मेच्योर नहीं है ना यार इन्फेक्टिव स्टेज ये भी है मॉस्किटो के लिए ये इन्फेक्टिव स्टेज है लेकिन मेच्योर नहीं है मेच्योर मतलब गैमीट बन जाना अभी क्या बने है या मीटोस, आ, इन्फेक्टिव स्टेट जो कि मेच्योर हो चुकी है जो कि गट से निकल के माइग्रेट करेगी उसके सलाइवरी ग्लैंड में और फिर पहुंच जाएगी ह्यूमन में वो है स्पोरोसॉइड्स। यस मेरे बच्चों तो कैसे भी आपको सवाल पूछे जा सकते हैं जरा यहां फोकस करो देखो मैंने बोला मलेरिया कॉज करने वाले प्रोटोजोन के द्वारा कॉज होते हैं प्लाज्मोडियम है जिसका नाम वाइवैक्स मलेरिया फॉल्सिपेरम रिस्पॉन्सिबल मैलिग्नेंट मलेरिया खतरनाक मलेरिया खतरनाक वाले से होगा ये एक पीवाई क्यू है वेरी वेरी वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट और बेटा इससे डेथ भी हो सकती है फेटल है इसके बारे में बात कर ली देन बेटा लाइफ साइकिल पूरा कर लिया ये सारी बातें मैं आपको बता चुकी हूँ दो होस्ट है इसकी जिंदगी में दो होस्ट का मतलब है कैसा पैरासाइट है डायजेनेटिक डायनेटिक पैरासाइट है यानी कि यहां पर एक डुअल केस हो रहा है इस पे इस लाइन पे फोकस करना बेटा डाइजेनेटिक पैरासाइट है दो होस्ट है ह्यूमन और मॉस्किटो जिसमें लाइफ साइकिल कंप्लीट करते हैं एंड फीमेल एनोफलीस इज ऑल्सो वेक्टर यानी कि प्लाज्मोडियम के लिए मच्छर सिर्फ होस्ट नहीं है मच्छर फैलाने का भी जरिया है मच्छर हेयर इज या मैं बोलूं एनोफलीज इज एक्टिंग एज बोथ होस्ट एज वेल एज वेक्टर होस्ट का भी काम कर रहा है मच्छर और वेक्टर का भी काम कर रहा है यस और नो जैसे बेटा हमने जब मोलिकुलर बेसिस पढ़ा था तब आपको मैंने बताया था कि कैसे डीएन टीपी सबस्ट्रेट का भी काम कर रहे थे और एनर्जी सोर्स का भी कर रहे थे कैसे एयूजी मिथ्योन को भी कोड कर रहा था और इनिशिएशन में भी हेल्प करता था डुअल रोल था ना वहां पर भी दो चीजों का ये भी तो डुअल रोल है एनोफ्लीज इज फंक्शनिंग एज बोथ होस्ट एज वेल एज वेक्टर है ना चलिए विद दिस वी आर डन विद मलेरिया क्या मलेरिया समझ आया यस yes. मैंने यहां भी समझा दिया और वहां पर भी एक एक लाइन लर्न करवा दिया लर्न करवा दिया बेटा ह्यूमन हेल्थ तो ऐसा चैप्टर है यहीं पे लर्न करके जाओगे अब छोटा छोटा दो तीन बीमारियों के बारे में अगला पढ़ रहे हैं हम लोग अगेन प्रोटोजोन डिजीज प्रोटोजोन में दो पढ़ रहे हैं ये देखो प्रोटोजोन में मैंने एक तो पढ़ा मलेरिया को दूसरा मैंने किसका पढ़ा ये अमीबियासिस यही से बता देती हूँ अमीबियासिस ये भी प्रोटोजोन डिजीज है चलिए अमीबा। अमीबा तो एंटमीबा हिस्टोलिटिका इज अ प्रोटोजोन हो पैरासाइट किसका पैरासाइट है लार्ज इंटेस्टाइन का

ये है मल दिस इज फीसिस ये पढ़े ये है फूड ये बोल में बेटा जी फूड पड़ा है. कौन, मक्ही. मक्ही आई कौन मक्खी मक्खी आई भिन्न-भिन्न आती हुई यस ये मक्खी आई मक्खी को स्टूल बहुत पसंद है फीसिस इसका फूड है बेटा Pieces, इसका फूड है मक्खी आई मक्खी बेटा जी उड़ती हुई अच्छा रुको ये मक्खी आई मक्खी पहले बैठी पे बड़ा मजा आया ठीक है इसके पाव लगे पे ठीक है फिर बेटा जी यही मक्खी उड़ के ये देखो उड़ रही है अभी मैं उड़ाऊंगी मक्खी को ये देखो उड़ा दिया फिर यही मक्खी उड़ के तुम्हारे घर आई खिड़की में से घर में पड़ा था तुम्हारा ओपन फूड कुछ भी हो सकता है कटा हुआ सेब और एनी अदर फूड आइटम विच इज ओपन ढक के नहीं रखा तुमने यही मक्खी ऊपर बैठ गई बैठ ठीक है फिर बेटा है मक्खी जब बैठी तो इसके पैर पे जो भी लगा था वो तुम्हारे फूड पे लग गया ठीक है मक्खी उड़ के चली गई मक्खी का काम हो गया मक्खी को उड़ा दिया अब बेटा जी जो भी फीसिस पे था वो फूड पे लगा जो भी फूड पे था वो तुम्हारे मुंह के अंदर गया यानी कि जो रूट था वो फीसिस से होते हुए तुम्हारे मुंह के अंदर गया इस मोड ऑफ ट्रांसमिशन को हम बोलते हैं फीको ओरल रूट फीको ओरल रूट तो मक्खी क्या है मक्खी वेक्टर है बेटा मक्खी मकैनिकल वेक्टर है होस्ट नहीं है होस्ट तो वो होता है जिसकी बॉडी में घुस जाता है अपने लाइफ साइकिल का कुछ हिस्सा बॉडी में बिताता है देखो हेयर द मच्छर वॉज एक्टिंग एज होस्ट क्योंकि सेक्शुअल फेज जो प्लाज्मोडियम का वो मच्छर के अंदर ही हो रहा था या मक्खी के अंदर कुछ नहीं हो रहा बॉडी के अंदर कुछ नहीं जा रही है मक्खी इज जस्ट एक्टिंग एज अ मकैनिकल कैरियर

इसी वजह से टपरी से बेटा ज्यादा खाना पीना करोगे जो नाले के पास टपरी है, है ना रोड साइड टपरी मैं ये नहीं कह रही रोड साइड जॉइंट्स आर बैड बट रोड साइड जॉइंट्स विच आर प्रेजेंट इन हाईली अनहाइजेनिक एनवायरमेंट दे आर बैड जहां मक्खी मच्छर खूब है तो वो पहले मक्खी को तो क्या पता है? यार मक्खी तो भ्रमण पर निकलती है पहले फिसिस पे बैठेगी खाने में बैठेगी फिर फिसिस पे बैठेगी खाने में बैठेगी उसका चलता है मक्खी को फर्क नहीं पड़ता लेकिन बेटा जब तुम ये वाले फूड को कंज्यूम करोगे तो इनफेक्शन होगा ठीक है मैकेनिकल कैरियर है तो मक्खी से बच के रहना है मक्खी अगर तुम्हारे खाने पे चली जाए तुम्हारे खीरे पर बैठ जाए एप्पल पर बैठ जाए उसको धो लेना फटाफट से तुम्हें नहीं पता मक्खी इससे पहले कहाँ बैठ के आई है बताया नहीं है मक्खी ने है ना मक्खी मूवी में भी देखा था हाउ पावरफुल मक्खी वैसे मैंने मक्खी मूवी देखी नहीं हुई बट मैंने सुना है कि अच्छी है देखनी चाहिए बेटा देखनी चाहिए ओहो चलो देखेंगे इस चैप्टर का प्रैक्टिस मैं लगा देती हूँ स्पेशल क्लास में होगा लिंक मेरे टेलीग्राम पे आएगा टेलीग्राम पे जुड़ के रहना ओके चलो अब अगले चलते हैं हम हेलमिंथिक डिजीज पे प्रोटोजोन डिजीज दो ही हैं अगला हम लोग कर रहे हैं फटाफट से खत्म करते हैं हेलमिंथिक डिजीज हां जी एस बेटा जो कि एक राउंड वो है, आपको पता है वुशरेरिया फिलेरियल वर्म है अगेन एक राउंड वर्म है ये हेलमिंथ है हेलमिंथ का मतलब होता है कीड़ा विच आर नोन टू बी पैथोजन टू मैन सबसे पहला कहा का पैरासाइट है इंटेस्टाइन में रहता है इंटेस्टाइन रिलेटेड ही आएंगे इंटरनल ब्लीडिंग होगी मस्कुलर पेन होगा फीवर अनीमिया ब्लॉकेज ऑफ इंटेस्टाइनल पैसेज हो जाएगा अब बेटा जी एस्कैरिस के जो अंडे है वो इन्फेक्टेड पर्सन अपने फीसिस के साथ रिलीज करता है तो यार वो सॉइल में पहुंचते हैं सॉयल के थ्रू वो तुम्हारे पानी में प्लांट्स में पहुंच जाएगा और जब तुम इंफेक्टेड प्लांट्स खाओगे तो वो अंडे तुम्हारे अंदर फिर बेटा जी वो बॉडी में भ्रमण पे निकलते हैं हर जगह घूम के इंटेस्टाइन में आ जाएंगे फिर वो अंडे फीसिस के साथ बाहर निकलेंगे सो हेल्दी पर्सन को कैसे होता है थ्रू वाटर वेजिटेबल एंड समझ आया का साइकिल तुम्हें एस्कारिस तुम्हारे अंदर चला गया एस्कैरिज क्या है राउंड वर्म तुमने फीसिस रिलीज किए उसके अंडे आ गए वो फीसिस बेटा जी कहां बैठे हैं सॉयल में मिक्स हो रहे हैं सॉयल में फीसिस मिक्स हो रहे हैं उसी सॉयल में खाना उग रहा है सेब उग रहा है आलू उग रहे हैं अदरक उग रही है वही आलू और अदरक तुमने खा लिया तो फिर से बेटा तुम्हारे अंदर चला गया तो दिस इज हाउ कंटामिनेटेड फूड से वेजिटेबल से और वाटर जी इसके कॉजल एजेंट की बात करे जाए तो इसको फिलेरियल वर्म बोलते हैं बड़ा इंपॉर्टेंट है फिलेरियल वर्म बेटा जी इसको बोला जाता है वुशरेरिया शेरिया वो बैंक है। लेकिन बेटा एलिफेंटिया होता तो फिलेरियल वर्म की वजह से है लेकिन फैलता कैसे इसका भी वेक्टर है इसका भी मच्छर है मच्छर इस फीमेल क्यूलेक्स इसके काटने से हाथी होता है एलिफेंटियासिस इस एलिफेंटियासिस को बेटा क्या मैं फाइलारियासिस बोल सकती हूँ बताओ क्या मैं इसको फाइलारियासिस बोल सकती हूँ बोल सकती हूँ क्योंकि फिलेरियल वर्म इसको कॉज कर रहा है है ना इसमें होगा क्या हाथी पाव नीचे के जो आपकी लिम्फ वेसल है उसमें सूजन आनी शुरू हो जाएगी रिटेंशन ऑफ फ्लू हो जाएगा मतलब पैरों से शुरू होगा होगा रिटेंशन ऑफ जब रिटेन तो वो चीज स्वेल होती जाएगी आप यहाँ से देखिए ये देखिए बेटा हाथी की तरह पाव होता जा रहा है और ये बीमारी धीरे धीरे ऊपर फैलते हुए स्क्रॉटम तक फैल गई है जोनाइटल्स तक फैल गई है दिस इज ऑल्सो अ डेडली डिजीज तो इसीलिए मच्छरों से बचकर रहना है ऑल आउट लगाना है क्योंकि यही मच्छर मलेरिया डेंगी चिकनगुनिया एलिफेंटियासिस एसिड कॉज कर रहे हैं ठीक है जी यस तो वुशरेरिया श्रेरिया बैंक्रॉफ्ट और वुशरेरिया मलाई फिलेरियल बम है क्रॉनिक इन्फ्लोमेशन कॉज करते हैं किसकी लिम्फैटिक वेसल की कहाँ के लिम्फेटिक वेसल पैरों के

ियल वायरल प्रोटोजोन बना लेंगे एटलीस्ट जो एग्जाम्पल आपके एनसीआर देती है वो तो डब्बा में होना चाहिए क्योंकि इस पर क्वेश्चन आ जाता है yes? हाँ, बहुत बढ़िया एसके पता नहीं क्या नाम है कह रहे आपसे फिजिक्स पढ़ना चाहता है एक बच्चा पढ़ ले मैं बहुत बढ़िया फिजिक्स पढ़ाती हूँ पास हो जाओगी बेटा बढ़िया नंबरों से चलो फंगल डिजीज के बारे में बात करते हैं सबसे पहला क्वेश्चन लाइन को बिलोंग करते, हैं जो करते है? Ring warm. Ring warm करने वाले तीन जेनेरा कौन है पी वाई क्यू माइक्रोस्पोरम ट्राइकोफाइटम एंड एपिडर्मोफाइटन याद हो गया चलिए रिंग वॉर्म में होता क्या दात खाद खुजली टीवी में आड़ाते ना दात खाद खुजली विकोटर मरिक

जहां स्किन है नेल्स है स्कैल्प है यहाँ भी हो सकता है इन्फेक्शन नेल्स में भी है स्किन uh, पे भी हो सकता है लिजन आर कम्पनीट विद खुजली होगी इंटेंस इचिंग भी होगी साथ में अब यूजुअली बेटा आदमी को फंगल इन्फेक्शन वहां होता है जहां पसीना आता है अंडर आर्म्स पे पसीना आता है गर्दन पे पसीना आता है पैरों में पसीना आता है वहां पर स्कैल्प में भी पसीना आता है बाल होते हैं ना बहुत सारे स्कैल्प so में पसीना आता है तो जहाँ हीट होगी पसीना मतलब हीट होगा मॉइस्चर पानी होगा वहां पर फंजाई ग्रो करेगी ज्यादा फंजाई ग्रो करेगी इसीलिए बेटा ग्रोइन में जो आपकी वी शेप स्किन का फोल्ड बनता है ग्रोइन रीजन में पैरों की उंगलियों के बीच में बहुत लोगों को इन्फेक्शन हो जाता है एथलीट्स फुट जिसको बोलते हैं ठीक है रिंग वर्म्स आर जनरली एक्वायर्ड फ्रॉम सोइल बाय यूजिंग टॉवल क्लोथ्स और इवन कूंब ऑफ इंफेक्टेड इंडिविजुअल हां जी मेरे बच्चों क्या यह बात समझ आई या नहीं आई फंजाय फंगल डिजीज के बारे में क्या बात हो गई है या नहीं हुई है <coughs> कहीं में इंफेक्शन हो जाता है बालों में भी होता है पैरों में भी हो सकता है जहां जहां पे बेटा पसीना आ सकता है टाइप्स ऑफ है जैसे मैं आपको बताऊं टाइप्स ऑफ में टीनिया बारबे ठीक है यस टीनिया बारबे कहां हो रहा है बियर्डेड एरियाज में जहां जहां पर दाढ़ी है दाढ़ी में अगेन पसीना आ सकता है टीनिया क्रूरिस कहाँ पर काँ पर हो रहा है ग्रोइन रीजन ग्रोइन मतलब जहां पर आपके जनाइटल हैं वहां पर भी पसीना आने के चांसेस रहते हैं टीनिया कैपिटिस कहां पर हो रहा है स्कैल्प में बालों में टीनिया बेटा पेडिस जिसको एथलीट्स फुट बोलते हैं कहां पर हो रहा है फुट में ठीक है तो इस तरीके से बेटा जी इंफेक्शन हो सकता है अलग अलग जगह पर जहाँ जहाँ पसीना आ रहा है बालों में आ रहा है ग्रोइन में आ रहा है पैरों में आ रहा है ठीक है जी स्किन पे हो रहा है नेक रीजन पे हो रहा है So that is basically about your और क्या चीज आती है यहां ध्यान देना है तीन पॉजिटिव एजेंट बताए कौन से यहां लिख दू एक लिख तीन बेटा जी मैंने आपको पॉजिटिव एजेंट बताया पहला बताया ट्राइको फाइटॉन दूसरा बताया एपीडरमो फाइटॉन एपीडरमो फाइटॉन तीसरा बेटा जी मैंने कौन सा बताया माइक्रोस्पोरम याद है याद है यस yes. ये जो फर्स्ट वाला है ट्राइकोफाइटॉन बेटा जी स्किन हेयर और नेल तीनों को इन्फेक्ट करेगा स्किन हेयर नेल्स एपिडर्मोफाइटोन किसको इन्फेक्ट करेगा स्किन एंड नेल्स माइक्रोस्पोरम किसको इन्फेक्ट करेगा स्किन एंड हेयर यस गॉट इट याद रहेगा याद रहे, याद रहे तो ठीक है बट ये नाम तो जरूर याद कर लेना यार ट्राइकोफाइटोन एपिडर्मोफाइटोन एंड माइक्रोस्पोरम दैट्स इट विद द डिजीजेस लास्ट पार्ट है डिजीज कैसे प्रिवेंट करोगे पब्लिक हाइजीन खाना अच्छा खाएंगे एक्सरसाइज करेंगे वैक्सीनेशन लगवाएंगे मच्छरों से दूर रहेंगे ठीक है जी मच्छरों से दूर रहेंगे मच्छर को दूर भगाने के लिए बेटा जी आपको पता होना चाहिए एक मछली का भी यूज़ करते हैं डू यू नो अबाउट दैट मछली गैम्बूसिया गैम्बूसिया क्या है मान लो को इसी जगह पर पानी है पानी में मुझे पता है मॉस्कीटो के लार्वे के चांसेज है मैं मछली को छोड़ दूँगी ये बेटा जी लार्वी वोरस फिश है लार्वी वोरस फिश है कोई वाटर बॉडी होती है ना जिसमें खतरा होता है कि यार इसमें मच्छरों के लार्वे हो सकते हैं गैम्बूसिया को छोड़ दो तो मलेरिया से बचने के लिए हम गैम्बूसिया का यूज कर सकते हैं डेंगी से भी मतलब मच्छर से बचने के लिए वी कैन यूज दिस फिश अगर कोई स्टैंडिंग वैसे तो स्टैंडिंग वाटर होना नहीं चाहिए अगर स्टैंडिंग वाटर है तो गैम्बूसिया की मदद ले सकते हो बाकी बेटा जी यही सिंपल सी चीजें हैं पब्लिक हाइजीन मेंटेन करें पर्सनल हाइजीन मेंटेन करें पानी को ना खड़ा होने दें वाटर और इन सब चीजों से अपने आप को बचा कर रखें मॉस्किटो नेट लगाएं फिश लगाएं देखो कूलर्स में पानी ना भरने दें ड्रेनेज प्रॉपर रखें डोर्स विंडोज शुड बी प्रोवाइडेड विद वायर में जाली वाला दरवाजा होना चाहिए ऐसे नहीं कि दरवाजे सिर्फ लकड़ी के हैं जाली वाला दरवाजा खिड़कियां जाली वाली होनी चाहिए ठीक है जी जिससे हम मच्छरों से दूर रह पाए मच्छर जो कि एडीज एडीज मच्छर जो कि डेंगी और चिकनगुनिया का फैक्टर है देखो बेटा वायरल डिजीज में चिकनगुनिया और को पहले डिटेल में नहीं दिया लेकिन यहाँ पर बेटा उसने बता दिया कि इसका वेक्टर कौन है समझ रहे हो तो जरूरी नहीं है वायरल डिजीज में तुम डेंगी चिकनगुनिया को देखोगे उसने बता दिया है ना इट इज डेंगी बेटा इट इज नॉट डेंगू लिखने में डेंगू आता है बट द करेक्ट प्रोनसिएशन इज डेंगी ठीक है जी चलिए तो यहाँ पर हमारा समाप्त हो गया ये सब आपको मैंने बता दिया है पढ़ लोगे तुम ओके okay? इम्यूनिटी हमने कर लिया है कल की क्लास में हम ड्रग्स पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले जी, में जाकर सब बच्चे एनरोल कर लें क्योंकि जैसा कि मैंने आपको यहां दिखाया था अरे बैग कैसे जाए जैसा कि बेटा जी मैंने आपको दिखाया था और बैग जा सकते हैं हाँ ये देखो के लिंक करोगे वहां पर तुम्हें दिख जाएगा सारे कैसे हमारे ऑल इंडिया रैंकर बेटा जी इस पेपर को देते हैं तो नेशनल लेवल का एग्जाम है विच यू कैन नॉट अफोर्ड टू मिस सो मेक श्योर दैट यू आर एनरोलिंग सिर्फ एनरोल करना है कोड वैसे मांगेगा नहीं इसमें मांग भी लेगा तो तुम डाल देना सीप लाइफ ये सबको पेपर देना है एक शिफ्ट इसकी हो चुकी है लेकिन एट्थ और फिफ्टी को अभी भी आप पेपर दे सकते हो बाकी बेटा जी बहुत सारे वैल्यू एड ऑन है आप माइंड मैप फ्लैश कार्ड ले सकते हो डिजिटल नोट्स और टेस्ट सीरीज का कॉम्बो बना सकते हो ये सब अकेडमी के एंड्रॉइड से मिलेगा अन अकेडमी ऑल इंडिया आई टी एस में एनरोल हो सकते हो जो कि होना ही होना है सबने देना ही देना ठीक है ठीके? तो आई विल सी यू टुमारो टो विल फिनिश दिस चैप्टर एंड देर इज अग बिग बिग सरप्राइज फॉर एवरी वन तो अगर आपको समझ आया प्लीज़ कमेंट्स में लिख के जाइएगा एक अच्छी ऑडियंस आप हमेशा रहे हैं अच्छा लगता है तो लाइक भी जरूर करो एंड अपना फीडबैक समझ आता है सवाल सॉल्व होते हैं एनसीईआरटी समझ आती है जो भी आर्ट का फीडबैक है इस क्लास को लगाने के बाद चाहे आप फ्री ऑफ कॉस्ट देख रहे हैं चाहे आप प्लस आइकॉनिक है कहीं और एनरोल्ड रोल्ड है प्लीज अपना फीडबैक जरूर शेयर कीजिए ये मदद करता है फ्यूचर स्टूडेंट्स को ये जज करने में कि यार क्या मैं इस डेढ़ घंटे के लेक्चर को देखूं भी या फिर नहीं देखूं तो जो आप यहां पर अच्छे शब्द लिखते हैं जरूर इसको कॉमेंट्स में एड करिए उससे बेटा जी बहुत सारे जरूरतमंद बच्चों तक ये लेक्चर पहुंच पाएगा ठीक है चलिए थैंक यू सो मच गाइज Take care, bye bye.